पहले दीपक, हम एक काम में काम करना चाहता हूँ। हमारी आज एक चर्चा थी कि पंचशील का। आप सभी लोग पंचशील से परिचित हैं? जितने लोग हैं, मैं यस एक सर। कलेक्टिव रिसर्च करना चाहता हूँ, एक अध्ययन करना चाहते हैं, और ये अध्ययन हमें अगले हफ्ते तक पूरा करना है। पंचशील के कुछ सिद्धांत हैं जो बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने हमें दिए थे, जिसमें क्राइम है, हिंसा है, कि हिंसा हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। हिंसा करने का मतलब हर्ट नहीं करना चाहिए। हमें सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जो किसी को नुकसान पहुंचाता हो, झूठ बोलना। हमें व्यभिचार, करप्ट मॉरल बिहेवियर से अपने आप को बचाना चाहिए। हमें अपने आप को नशीले पदार्थों से बचाना चाहिए, नशे से बचाना चाहिए, नशीले पदार्थों की बजाय अपने आप को व्यभिचार से बचाना चाहिए। तो दीपक, यही हमारी चर्चा थी जो सुबह में, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर इस पर एक अध्ययन करें कि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कंट्रीज हैं और हमारे पंचशील के सिद्धांतों में क्या कोई सामंजस्य है, क्या उससे हमें कुछ मालूम होता है कि क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पंचशील के जो सिद्धांत हैं उन पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो ये एक अध्ययन अगले हफ्ते के लिए हम जो सशक्तिकरण संवाद करेंगे, तो उसमें हम इस चर्चा को रखेंगे दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक और पंचशील के सिद्धांत। तो दीपक, आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो? दीपक की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। तो आप में से कौन कौन ऐसे लोग होंगे जो इस मतलब रिसर्च में काम करने के लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे? सर, मेरा नाम चंद्रास प्रिया। चंद्रा, ठीक है। दीपक, दीपक आप इसमें काम करोगे? मैं फिर से आप बोलिए, मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया आपको। हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हम जो हम सशक्तिकरण संवाद में एक बात बोलते हैं, हम एक क्लेम कर दें, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बिलीव कि इट इज अ क्लेम। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे सर, हैं। मैं दीपक आवाज आ रही है? आ मुझे रही लग है रहा है सर। दीपक का कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। चलो, इसको चर्चा को थोड़ी देर में करेंगे। तो हम लोग एक सर तो वो रिसर्च टॉपिक क्या होगा? टॉपिक कुछ नहीं होगा, हमें ये देखना है कि जो क्राइम रेट है, मर्डर के रेट है, और ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में लोग जो देश हैं वहाँ पर कितना उनके यहाँ क्राइम रेट है, उनके यहाँ कितना करप्शन इंडेक्स में वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। फिर एक क्राइटेरिया हम नशीले पदार्थ का, नशे का ले सकते हैं कि अल्कोहल का कंजम्पशन या कुछ जो जो नशीले पदार्थ है उनका कंजम्पशन कितना है, और मतलब बेसिक इस ब्रॉड फ्रेमवर्क के अंदर में हम इस रिसर्च को करेंगे। तो हम लोग 10 देशों को चुन रहे हैं कि 10 देशों को चुनेंगे कि इन 10 देशों में, इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 10 देशों में कितना क्राइम है, कहाँ किस देश में, और उसमें एक भारत भी देश होगा, कितना क्राइम है। तो क्राइम को हम हिंसा से जोड़ रहे हैं कि जहाँ क्राइम ज़्यादा है क्या वो ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छा करते हैं, जहाँ क्राइम कम है, मर्डर्स या डेथ इस तरीके की, अनवॉरंटेड डेथ ज़्यादा है, वो कैसा सर परफॉर्म बोर्ड कर। नहीं दिख रहा है सर। तो वो काम अभी हम करेंगे। तो ठीक है दीपक, आई एम टेकिंग यू यस ऑन सर बोर्ड। ओके ठीक सर है, हम 10 देश यस चुनते हैं, अभी चुन लेते हैं, रादर 5 मिनट जब तक लोग और सेटल डाउन होते हैं। तो सर मैं हमारे भी काम करना सर। ठीक है, थैंक यू। क्या व्हाट्स योर गुड नेम, एक बार बोल दो, मेरी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा सर बोर्ड शेयर कर दीजिए। सर है। ओके, मैंने शेयर नहीं किया है तो ओके। एक बार जो बोले सर रिकॉल कर दीजिए सर, थोड़ा एक एक दो बार मिनट लेट समझाएं क्या। कोई बात नहीं, अभी हम दोबारा से इसका चर्चा करेंगे। हमारे जो 10 देश हमें चुनने हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अलग अलग पोजीशन पर आते हैं,
ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा एक सूचकांक है जिससे हमें ये पता चलता है कि उस देश में मानव विकास की क्या स्थिति है। तो मानव विकास हम इससे जानते हैं। हम इस अध्ययन को थोड़े डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं कि क्या मानव विकास का तथागत बुद्ध के द्वारा दिए गए पंचशील सिद्धांत के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? क्या हम उस पैरामीटर पर उसको चेक करें? हम एक क्लेम करते हैं, हमने जैसे तथागत बुद्ध को हमने समझा है, तो उन्होंने एक सिद्धांत हम सबको दिया है कि हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हम हिंसा क्यों ना करें? ठीक है, एक तो जनरल बात हो गई कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, बट अगर वो हम करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या हमारे मानव सूचकांक पर, जो मानव विकास सूचकांक है, हमारे देश का विकास, समाज का विकास, हमारा विकास, क्या वो हिंसा से प्रभावित होता है या नहीं प्रभावित होता? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि हमें सत्य का साथ मोह लेना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो जहां लोग दूसरे की चीजें चोरी करते हैं वहां, या मतलब इसको एक टोटैलिटी में अगर मैं देखूं तो असत्य को, व्यभिचार को उन्होंने कहा है कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए, और असत्य व्यभिचार, तो इसको हम एक कॉमन उसमें करप्शन इंडेक्स के साथ जोड़ देंगे। करप्शन बेसिकली वो ऐसा एक्ट है कि जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि जो चीज जिसकी नहीं होती, जिसको नहीं मिलनी चाहिए, वो गलत नैतिक आधार पर आप उसे प्राप्त करते हैं। तो वो करप्शन इंडेक्स में कैसा परफॉर्म करते हैं? और आखिर में एक और उनकी सेइंग है, वो है नशे के बारे में, कि जो नशा है वो नहीं करना चाहिए, नशे से हमें बचना चाहिए। तो सारी बातें वैसे ऊपरी तौर पर सही लगती हैं, पर हम इसको एक वैज्ञानिक तौर पर आज के समय में, 21वीं सदी के समय में इसका एक अध्ययन करना चाहते हैं, और उस अध्ययन में ये बात को जांचना चाहते हैं कि क्या उनके जो सिद्धांत हैं वो वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, और जो देश अच्छा करते हैं, जहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, तो क्या वो देशों में क्राइम रेट ज्यादा होता है, कम होता है, करप्शन वहां ज्यादा होता है, कम होता है, और नशीले पदार्थों का सेवन कम होता है या ज्यादा होता है, नशे का सेवन? तो क्योंकि मैं नशे के मामले में थोड़ा सा दो वो रखूंगा, तो हम कुछ देशों को चुन लेते हैं। हमारे कुछ देशों में, कुछ बड़े देशों को चुनने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर प्राप्त कर सकें। तो ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एवरेज HDI है, जो हमारे सामने है। तो एक देश हम चुन सकते हैं नॉर्वे, फिर उसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये छोटे देश हैं, फिर से जर्मनी। कोई नोट करेगा इसको? चंद्रा आप नोट कर लीजिए। एक हम हाँ, देश नोट कर चुन, रहा है सर। ठीक है, पहले नंबर पे जो देश है वो है नॉर्वे, फिर हम जर्मनी को चुनते हैं, फिर एक ऑस्ट्रेलिया को चुनते हैं। तो तीन देश हो गए हमारे, मतलब जो टॉप के ऊपर के सबसे बड़े देश हैं उनको चुन लेते हैं। फिर उसमें से फिर किसको चुना जाए, कोई आप भी सजेशन दीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स को सर चुन लेते हैं। आयरलैंड है सर, आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। आयरलैंड और स्विट्जरलैंड तो छोटे देश हैं, आयरलैंड बहुत छोटा देश है, तो हमारे लिए एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं बनेगा। यूके को चुन सकते हैं। यूके को चुन सकते हैं, यूएसए को चुन सकते हैं। यूएसए को तो चुनना ही होगा क्योंकि यूएसए सब एक बहुत बड़े देश में आता है। जो ऊपर के बड़े देशों में, यूएसए एक बड़ा देश है, देन यूके को चुन सकते हैं, किसी एक देश फ्रांस, फ्रांस को। फ्रांस, फ्रांस फ्रांस कहाँ गया? फ्रांस नहीं आया इस लिस्ट में अभी तक, ऊपर नहीं है फ्रांस, यह नहीं है कहीं, दिख रहा है किसी को? नहीं, एक लिस्ट हम निकाल लें सर, उसमें फ्रांस दिया है। कौन से नहीं नंबर इसमें? नहीं, यहाँ से सर इसी लिस्ट को फॉलो करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने नॉर्वे को चुन लिया, हमने जर्मनी को चुन लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया को चुन लिया, हमने यूएसए को चुन लिया, ठीक है। चलो, चार देश बहुत है इधर। चाइना, तुर्की सर है ना? अच्छा, क्या चीज? तुर्की, तुर्की, तुर्की कहाँ गया? तुर्की कौन से नंबर पे था, देखा नहीं? अभी हमें उसमें एक इंडिया भी चुनना है, हम एक इंडिया चुन लेते हैं। फिर हमने कुछ नीचे के देश भी चुनने होंगे, ठीक है। इंडिया, इंडिया के साथ पाकिस्तान को चुना जाए या बांग्लादेश को? एक देश और, नहीं बांग्लादेश के सर। बांग्लादेश को,
ओके चलो बांग्लादेश को चुनते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं हम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तीन देश चुन लेते हैं और फिर लास्ट के तीन कंट्रीज और हमें अभी अब चुनने हैं। तो हमारे पास सात अब तक हो चुके हैं, तीन और चुनने हैं हमें। बॉटम की कैसे आएंगे, उल्टा चलाना होगा इसको। नीचे सर जो ये न्यूमेरिक, सर न्यूमेरिक जो वर्ड दिया सर ह्यूमन डेवलपमेंट ईस्ट का, तो सर उसमें उसके हिसाब से तो उसका है भी सर, सर 0.49 उसका भी है न्यूजीलैंड का सर। 0.49 नहीं, न्यूजीलैंड को हम छोड़ रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को ले रहे हैं। एक्चुअली सारे देशों को हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे, हम उन्हीं देशों को चुने। सबसे नीचे के देश कहाँ से मिलेंगे, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें एक है कोस्टा रिका, एक है माल्टा है, लिथुआनिया है। अब नीचे के देश चुन लेते हैं, ठीक है। ऊपर के हमारे सात देश हो चुके हैं, हमने भारत से इंडिया लिया है, पाकिस्तान लिया है, बांग्लादेश लिया है, जो इस रीजन से है। फिर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, हमें अफगानिस्तान ले लेते हैं, जैसे ये नीचे के बहुत जो छोटे देश हैं उनको छोड़ देते हैं, ये सब ज्यादा छोटे देश हैं। एक हम अफगानिस्तान ले लेते हैं जो हमारा पड़ोस का देश है, एक अफ्रीका से सोमालिया, सोमालिया की रैंक कहाँ है, इसमें है सोमालिया, सोमालिया नीचे वाले देशों में है। अफगानिस्तान, नाइजीरिया, तो फिर नाइजीरिया को ले लेते हैं, नाइजीरिया बड़ा देश है। पाकिस्तान 154वें नंबर पर है, नाइजीरिया, एक नाइजीरिया, एक अफगानिस्तान, एक और देश ले लेते हैं कोई और, बताओ भाई कौन सा लिया जाए। अभी रह गया तो ब्राजील, ब्राजील सर, साउथ सर, साउथ चाइना, चाइना साउथ सूडान है सर, साउथ सूडान। ऐसे लेते हैं बीच के तीन, जैसे बीच में हमने एक देश को हटा देते हैं, पाकिस्तान और इसमें से हटा देते हैं। बांग्लादेश कहाँ पर है, बांग्लादेश इंडिया ये 131 नंबर पर है, ओके। बांग्लादेश 133वें नंबर पर है, तो बांग्लादेश को हटा दिया जाए और ऊपर का एक देश ले लेते हैं, ब्राजील ले लेते हैं, बांग्लादेश को हटा के ब्राजील ले लेते हैं, हाँ, और एक और देश लेंगे। साउथ अफ्रीका ले लेते हैं, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की लोकेशन तो कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका 114वें नंबर पर है। नहीं फिर ये सब एक जैसे हो जाएंगे, ज्यादा एक जैसे, मतलब हमें कुछ ऊपर के कुछ सर, नीचे के सर, सर इजिप्ट, इजिप्ट, इजिप्ट कहाँ है, नंबर पे इसे भी नहीं लेंगे, ऊपर के देश में मैं 90-100 के आसपास लेना चाहता हूँ। चाइना 85 नंबर पर है, ब्राजील 84 नंबर पर, चलो ब्राजील को ले लेते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। तो ये हो गए कितने देश, 10 हो गए पूरे, यस सर, 10 हो गए ना। तो हमने इन 10 देशों को चुना है, अब हमें करना ये है कि हमें, हम इनको भाग लेंगे। कौन कौन लोग इस एक्सरसाइज में, तीन लोग भाग ले रहे हैं, एक दीपक, एक चंद्रा और एक और नाम है मेरे पास, कौन था, कोई और तीसरा आदमी नहीं, आयुष, आयुष नहीं, वो बेचारे को बोलने दो, पता चला वो तैयार नहीं है, फिर हमारी एक्सरसाइज अटक जाएगी। जो ईगर हो वही ज्वाइन करे, जो ईगर ना हो वो ना ज्वाइन करे। ओके जयंत, यस सर, तुम, तुम्हारा नाम ले ले सर, एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन करा था इसलिए मुझे कंफर्म नहीं कि किस चीज में बात चल रही थी, कोई बात नहीं, हम बाद में समझा देंगे, दीपक आपको समझा देंगे, ठीक है। तो हम ये काम करना है आप लोगों को, अब ये तीन लोग हो गए, चंद्रा, दीपक और जयंत, आप तीन लोग ये काम करेंगे, इन दस देशों को तीन टुकड़ों में बांट लेंगे, ठीक है। दीपक आप इसको कर दीजिएगा, तीन देश, तीन आप, मेरा भी,
नहीं अभी तीन ही रखेंगे, तीन लोग से ज्यादा फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो तीन लोग, चंद्रा, दीपक और जयंत, ठीक है। दीपक आप तीन देश चंद्रा को दीजिए, तीन जयंत को दीजिए और तीन या चार आपके पास रह जाएंगे। इनके आपको सर्च करना है, ये ढूंढना है कि इनके यहाँ क्राइम रेट कितना है। हम एक्सरसाइज जो करेंगे, क्राइम रेट में मर्डर का रेट क्या है, क्राइम का ओवरऑल रेट क्या है। दूसरा हमें करप्शन इंडेक्स देखना है कि उस देश का करप्शन में क्या क्या लेवल है, कितना करप्शन है, क्या परसेप्शन है, वो भी जरूरी है। और तीसरा लिकर का कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन कितना है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आप इस काम को बांट दीजिएगा क्लास के बाद में और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। ये लिस्ट मुझे लिख कर एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं भी अपने स्तर पर इसे चेक करूंगा। ओके सर। ओके जी, चलिए ओके, फिर क्लास शुरू करते हैं। जयंत को थोड़ा बता दीजिएगा, शायद जयंत थोड़ा लेट जुड़े हैं तो। ओके सर। ओके ओके, तो हम कल बात कर रहे थे, स्पेस मिशंस की बात चल रही थी, हम स्पेस में थे। ये जेमिनी गगन हो चुका था, तो एक ये, इसके बाद अगर उसी चर्चा को हम आगे चलाएं कि सैटेलाइट किस तरह से हमें जानकारियां देते हैं, उनका क्या क्या इस्तेमाल हम आज के समय में कर रहे हैं, तरह तरीके के सैटेलाइट हम भेजते हैं, तो उसमें एक और ये सिस्टम है भारत का। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे आज, क्योंकि तो हम कई चीज़ें ऐसे सिर्फ प्योरली फैक्चुअल है, जहाँ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ होगी उसमें थोड़ा समय लगाएंगे, बाकी में थोड़ा कम लगाएंगे। ओके, इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। ये इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम है, ये दो सैटेलाइट हैं जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखे जाएंगे। उम्मीद है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सबको समझ आ गया होगा, अगर किसी को अभी भी ना समझ आया हो तो तुरंत बता दे, अन्यथा हम यहाँ से आगे बढ़े। जियो स्टेशनरी कॉन्सेप्ट को समझना यहाँ पर जरूरी है। तो इन दो सैटेलाइट्स को इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के अंदर आने वाले दो सैटेलाइट्स हैं, जिनका उद्देश्य है कि ट्रैक करना, सेंड करना और रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर इंडियन सैटेलाइट जो विशेष रूप से लो अर्थ ऑर्बिट में है। ये भी इंटरेस्टिंग आइडिया है। व्हाट डज दिस आइडिया सेज? इस आइडिया का काम ये है कि हमने बात की थी कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजना सस्ता है, ठीक है, कम उसमें छोटा रॉकेट लेके चला जाता है। जियो स्टेशनरी में ले जाना महंगा है, तो इसका एक अच्छा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है कि क्या करेंगे कि हमारे जो, अब जैसे ये हमारा अर्थ, क्लियर इट, ये मेरी धरती, ठीक है, तो मैं रहता हूँ, ये मेरा लो अर्थ ऑर्बिट मेरे आसपास जो, और यहाँ मेरे लेट से 25 सैटेलाइट घूम रहे हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट में होने के कारण क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट के कारण ये होता है कि यह जैसे भारत यहाँ पर है पर ये सैटेलाइट सब अलग अलग जगह पर है, तो इनमें से कुछ तो भारत के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ भारत के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त नहीं होगी। परंतु एक और बड़ा ऑर्बिट है, ये कौन सा ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो रखा गया सैटेलाइट होगा उसकी क्या खासियत है बताइए भाई, मैंने भी आपसे ये सवाल बोला, हमेशा कम्युनिकेट करेगा। एक मिनट रुको, हाँ जी, ये मुझे श्रुति तुम बताओ भाई, क्या होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? श्रुति आपको आवाज आ रही है? अगर आप दो मिनट में रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। भारती, भारती आपको आवाज आ रही है?
यस सर। भारती बताओ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? सर आई डोंट रिमेम्बर। गलत बात है भारती, मैंने अभी आपसे बोला कि अगर किसी को समझ ना आया हो, नहीं पता चला हो, मुझे पूछ लो। मैंने अभी दो मिनट पहले ही ये बात कही, ये अच्छी बात नहीं है। नौखेज आप बताइए भाई, ये क्या होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? वो खाली क्लास अटेंड कर रहे, अगर आपको समझ ना आए पूछो। बताओ सर। इसे जियो सिंक्रोनाइज भी कहते हैं और ये इक्वेटर पे घूमती है सर। प्रिसीजन में मत जाओ, इसलिए मैं कभी कभी प्रिसीजन को अवॉइड करता हूँ। वो उसमें फिर कोई कहेगा कि जी मैं मीटर और सेंटीमीटर भी ऐड करना चाहता हूँ, कर सकते हो। हमारा काम वो नहीं है, हमारा काम सेटेलाइट भेजना नहीं है ना। हम थोड़ा ना सेटेलाइट भेजेंगे, बहुत सारे बेचारे साइंटिस्ट हैं वो जीवन भर ये काम करते हैं। हमें आइडिया होना चाहिए कि जियो स्टेशनरी क्या होता है, लगभग हाइट कितनी होती है, ठीक है? तो मुझे 36,000 याद है, बहुत है मेरे लिए। अच्छा अब मुझे बताओ ये करेगा क्या नौखे, जिससे फायदा क्या है मेरे को? हेलो हेलो सर। हाँ सर, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा ये? अच्छा ठीक है। नहीं बट क्यों ये बाकी लोग क्यों नहीं कर पाएंगे, लो अर्थ ऑर्बिट वाले? अगर मैं ये कहूँ कि कम्युनिकेशन मुझे, मतलब इसमें एक खासियत होती है ना, तभी तो इसको हम यूज कर रहे हैं। सही है, घूमेगी मतलब हमारी देश के साथ घूमेगी साथ साथ। हाँ ये थोड़े महत्वपूर्ण है कि जैसे मैंने ये कनेक्शन जोड़ा, भारतीय आप भी सुनिए, ठीक है? जैसे ये हमारा ये सैटेलाइट है और ये हमारी धरती है, दोनों घूम रहे हैं, ठीक है? दोनों चक्कर लगा रहे हैं। अब क्या है कि ये जो हमारी धरती है ये थोड़े समय में घूम के भारत जहां पर है वो रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व नहीं रोटेट, रोटेट है। तो ये भारत थोड़े समय में घूम कर यहां पर आ जाएगा, अगले 6 घंटे बाद वो यहां घूमते हुए यहां पर पहुंच जाएगा। तो हमारा ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये अब भी यही मौजूद रहेगा, ये घूम के तब तक यहाँ आ जाएगा, उतनी देरी में ये यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए पर्टिकुलर एक हाइट है जो कि 36,000 किलोमीटर, जो कि प्रिसाइजली 35,786 किलोमीटर है, जैसा सेफ ने हमें बताया कि 35,786 किलोमीटर की हाइट पर जब ये रहेगा तो ये जिस स्पीड से घूमेगा तो साथ साथ इसके पैरेलल घूमता रहेगा। जबकि ये वाला जो सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है इनकी समस्या ये है कि ये धरती की स्पीड के साथ नहीं चलते हैं। तो अगर जैसे भारत यहाँ से घूम के यहाँ पर आ गया, ये सैटेलाइट कहीं और चले जाएंगे, पता चलेगा कि अमेरिका के ऊपर है ये सैटेलाइट। देखो ये वाला सैटेलाइट हमें दिख रहा है कि सैटेलाइट यहाँ पर है, जबकि जितने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होंगे वो हमारे देश के ऊपर ही रहेंगे। अब हमने क्या फायदा करना है इस इंडिया डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम से, कि हम क्या करेंगे कि ये जो सैटेलाइट हैं जो हम जिनको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं पर केवल इनको यूज कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये सैटेलाइट इसके साथ तो कम्युनिकेट कर सकता है, ये सैटेलाइट भारत के ऊपर नहीं है परंतु ये सैटेलाइट इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये सैटेलाइट इसका, ये सैटेलाइट इसको, फिर ये सैटेलाइट इसको और ये सैटेलाइट इसको। तो इस तरीके से जितने सैटेलाइट्स की रेंज में है वो उनसे डाटा, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इनसे डाटा, लो अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट से डाटा रिसीव करेगा और इस रिसीव किए हुए डाटा को वापस धरती पर भेज देगा, भारत के पास भेज देगा। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम हमारे लो अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट का भी इस्तेमाल कर सकेंगे, एंड दिस इज इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। अभी समझ आई कुछ बात? अगर नहीं समझ आई तो चर्चा करेंगे। मतलब इसका, इस सिस्टम का हमारे लिए क्या फायदा है कि जिन सैटेलाइट्स के साथ हम नॉर्मली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट में होने के कारण, उनसे भी हम रियल टाइम में डाटा शेयर कर पाएंगे, उनकी भेजी गई इंफॉर्मेशन को भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बड़ा एडवांटेज है इस सैटेलाइट सिस्टम के कारण, ठीक है? It will track, send and receive real-time information from other satellites, in particular those in
लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो इससे वो जो ये जो एक टेक्नोलॉजी का इशू है, इसको इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा हम ठीक कर लेंगे। तो ये हो गया स्पेस टेक्नोलॉजी में। इसके लिए हमने 2 सैटेलाइट भेजे हैं और बाकी सब चीजें गैर जरूरी हैं, वो आप अलग से कर सकते हैं। कार्टोसेट जो है एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि कार्टियोग्राफी, व्हाट इज कार्टियोग्राफी सर? मैप मेकिंग। तो मैप मेकिंग की क्या क्या आवश्यकता हो सकती है? मैप क्या करेंगे, बार बार मैप बना के, मैप तो एक बार बना लिया, ज्योग्राफिकल मैप बना लिया, फिर क्या करना है सैटेलाइट को करके? मैप तो हमारे पास ऑलरेडी है। बिल्कुल, मैप मेकिंग केवल वन टाइम एक्सरसाइज नहीं हो सकती, ठीक है। हमें ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तो पता है, पर हमारे कहाँ पर खेती हो रही है, अभी फसल बोई हुई है, अक्टूबर में फसल बोई तो फसल हो गई, कहाँ पर सरसों बोई, कहाँ गेहूं बोया, कहाँ चावल रहा, चावल तो कट गया होगा खैर। तो एग्रीकल्चर के लिए हमारे लिए जरूरी है, माइनिंग के लिए जहाँ जहाँ हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मैप मेकिंग को। हम इसको कल हम बात कर रहे थे मछली पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। यस सर, यस सर। कल हम बात कर रहे थे कि भैया जो फिशिंग पॉपुलेशन, जो फिश पॉपुलेशन है वो भी घूमती है, वो फिक्स नहीं है एक जगह पर समुंदर के अंदर में। तो अगर हमें ये पता रहेगा कि हमारी मछली कहाँ घूम रही है तो हम अपने मछुआरों को बता सकते हैं कि भैया उस जगह चले जाओ, इस लोकेशन पर चले जाओ, वहां पर आपको ज्यादा मछली मिल जाएगी, और उस क्षेत्र को हम बोलते हैं पोटेंशियल फिशिंग जोन। कल हमने इस बात को पढ़ा था कि पोटेंशियल फिशिंग जोन्स की जानकारी भी ये सैटेलाइट हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट हमारे बड़े सारे काम कर सकते हैं, तो कार्टियोग्राफी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। सर ये डिजास्टरस एरिया को भी ये कर देता है क्या? डिजास्टर में बिल्कुल बिल्कुल, डिजास्टर जो क्लाइमेट चेंज के कारण बदलाव आ रहे हैं, इसका मिलिट्री यूज भी है कि चाइना ने, अभी हम कह रहे हैं कि चाइना ने वहां पर ये बना दिया, वो बना दिया, हमारी जगह को घेर लिया, तो सब कैसे पता चलेगा? वो सब ये सैटेलाइट ही हमें, कार्टोग्राफिक सैटेलाइट ही हमें बताएंगे। ये सैटेलाइट हमें ये सारी जानकारी देगा कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो कार्टोग्राफी कार्टोग्राम होता है, ठीक है। तो कार्टोग्राफी हमें इस चीज के लिए काम आती है, और इसके लिए कार्टोसेट 3 जो है भेजा गया था, 5 साल तक चलेगा। इससे पहले ऐसे कार्टोग्राफिक सैटेलाइट, इसका ऑर्बिट करीब 509 किलोमीटर ऊपर है। अभी 509 किलोमीटर ऊपर कौन से तरीके का ऑर्बिट हुआ? हमने 3 तरीके के ऑर्बिट पढ़े थे, लो अर्थ ऑर्बिट, ये लोअर है, लोअर हो गया, पोलर है या पोलर है? सर पोलर है, सर पोलर नहीं, पोलर लो अर्थ था मेरे ख्याल से 600 से 900। तो इसको लेट से, वैसे तो स्ट्रिक्टली कहे तो बीच में आ जाएगा, बट लेट से इसको चक लेते हैं लो अर्थ ऑर्बिट को। अब ये लो अर्थ ऑर्बिट में होने से क्या फायदा, इसका फायदा नुकसान क्या है इसका, कि ये घूम जाएगा, ये उसकी लोकेशन पे नहीं रहेगा। तो एक बार आएगा, फोटो खींच लेगा बहुत सारी, ठीक है, पूरे भारत की फोटो खींच लेगा, फिर उसके बाद चला जाएगा वहां से, फिर 15 दिन बाद वापस आएगा उसी लोकेशन पे, फिर फोटो खींचेगा टक 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 टक, फिर उनको भेजते रहेगा धीरे धीरे। तो ये कार्टोग्राफी के लिए लो अर्थ ऑर्बिट वाले जो सैटेलाइट्स हो जाते हैं वो काम करते हैं, क्योंकि कार्टोग्राफी हमारे को 24 घंटे रियल टाइम में करने की जरूरत नहीं होती, अंटिल अनलेस कुछ स्पेसिफिक काम जैसे ट्रैफिक है, इसको मॉनिटर करना है, कुछ ऐसी चीजों को मॉनिटर करना है, तब हमें उसकी जरूरत हो सकती है। वाला जो ऑर्बिट है ये कहलाता है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, ठीक है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, यानी कि 509 किलोमीटर का इसको भेजा गया। इसको PSLV C-47 के द्वारा भेजा गया था। इसका इस्तेमाल है डिजास्टर मैनेजमेंट में, जैसा चंद्रा ने बताया भी कि जैसे कहां बाढ़ आ गई, कहाँ सूखा पड़ गया, तो कुछ भी देर, कहाँ आग लग गई, एग्रीकल्चर का सूखा पड़ रहा है, कहीं फॉरेस्ट फायर हो गई, अगर अर्थक्वेक, तो ये सब चीज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने बोला मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके के। और इन कैमराज में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगे रहते हैं, इन सैटेलाइट्स के अंदर में ऐसे कैमरे लगे रहते हैं जो बहुत हाई रेजोल्यूशन की फोटो ले लेते हैं, ताकि हम पूरे क्षेत्र की बहुत, क्योंकि इतनी ऊपर से फोटो ले रहे हैं, तो वो हाई रेजोल्यूशन फोटोज को फिर हम छाटते जाते हैं, जिससे हम देख सकते हैं
मतलब इन हाई रेजोल्यूशन कैमरा से हम ये तक देख सकते हैं कि भाई किसके घर में किसकी छत पे क्या है। अगर आपने अपने घर पर कुछ बदलाव किया है वो भी इन कैमरा से हमें पता चल जाएगा। ऊपर से हम देखकर पता कर सकते हैं कि किस लोकेशन में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो इसके तमाम तरीके के इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये कंसेप्ट हम कर लेते हैं कि भारत ने इस एक्सरसाइज इस लॉन्च में PSLV 47 के लॉन्च के अंदर में कॉमर्शियल नैनो सैटेलाइट्स भी भेजे हैं। तो पहले तो मुझे बताओ भैया कॉमर्शियल सैटेलाइट का मतलब क्या हुआ? बिजनेस पर्पज के हिसाब से जो नैनो टेक्नोलॉजी पे छोटे छोटे कार्यों पे सैटेलाइट के माध्यम से हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉमर्शियल सैटेलाइट का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी तक ज्यादातर सैटेलाइट सरकारी सैटेलाइट है, गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए अपने फायदे के लिए सैटेलाइट आपने भेजे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट चाहे कार्टोग्राफी की एक्टिविटी हो, मिलिट्री एक्टिविटी, किसी भी चीज के लिए उसने ज्यादातर सैटेलाइट भेजे हुए। परंतु धीरे धीरे हम कॉमर्शियल एरियाज में कि सैटेलाइट का कॉमर्शियल एरियाज में भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे क्या इस्तेमाल हो सकता है कॉमर्शियल सैटेलाइट का? सर हम जैसे किसी भी सैटेलाइट मान लीजिए जैसे खर्चा बहुत आ रहा है इसमें, तो हम किसी अन्य देश के सैटेलाइट अगर वो भी इस पे रिसर्च करना चाहता है तो हम उससे कांटेक्ट करेंगे और हम उसको उसके सैटेलाइट को अपनी सैटेलाइट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं इसमें। नहीं, उसे दूसरे तरीके से देखें भारत कैसे इसको इस्तेमाल कर रहा है। कई सारी ऐसी कंपनियां हो सकती हैं, कई बिजनेस कंपनियां ऐसी हो सकती है, जैसे गूगल है। अब गूगल को गूगल मैप बनाना है, उसको भी अपने लिए कार्टोग्राफी करानी है कि कोई करे। अब गूगल अपने से तो उसके पास रॉकेट नहीं है, तो गूगल हमसे बात करेगा या और कंपनियां, नॉट एवल गूगल, इंडिया की बहुत छोटी छोटी कंपनियां भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी, हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी हो, तो वो अपनी रिसर्च के लिए कहे कि ठीक है जी आप हमारा एक ये छोटा सा सेटेलाइट आप हमारा इतने किलो आप ले जा रहे हो, आपका जो है 5,000 टन का वेट कितना ले जाएगा हमारा PSLV? 5,000 टन ले जाएगा ना, 5,000 किलो, सॉरी 5,000 किलो ले जाएगा। तो हमने 3,000 किलो का सामान तो हमारे देश का है 3,500 किलो का। अब गूगल ने हमसे बोला कि ऐसा है हमारा ये 200 किलो का सैटेलाइट है आप इसे भी ले जाओ, तो हम कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं ले जाते, हमें इतने पैसे दे देना। तो हमने ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी की जो अपनी कैपेबिलिटी है उसका कॉमर्शियल यूज, जिससे कि भाई ठीक है कुछ आमदनी भी हो जाएगी, हमारा तो सैटेलाइट हमारा तो रॉकेट जा ही रहा है, तो रॉकेट जब जा रहा है तो ठीक है कुछ लोग कुछ सैटेलाइट और ले जाते हैं, तो उसने 200 तो उसके हमने पैसे ले लिए कि भाई इतने पैसे हमें दे दो ठीक है हम आपका भी सैटेलाइट ले जाएंगे। तो ऐसे कॉमर्शियल और नैनो सैटेलाइट मतलब छोटे छोटे, जनरली जो सरकारी सैटेलाइट है वो बड़े बड़े हैं 3,000 किलो 5,000, पर नैनो सैटेलाइट कोई 20 किलो का सैटेलाइट कोई 30 किलो का सैटेलाइट, ऐसे 13 नैनो सैटेलाइट भी इस एक्सरसाइज के साथ इस PSLV के साथ जो है भेजे गए थे। ये नैनो सैटेलाइट कमर्शियल नैनो सैटेलाइट अमेरिका के थे, तो मतलब अमेरिकन कंपनियां हमें पैसा दे देंगी तो बहुत अच्छी बात है, हमारी इससे आमदनी हो जाएगी। और ये जो कमर्शियल अरेंजमेंट है इस चीज को करने के लिए, क्योंकि इसरो का काम तो ये बिजनेस दुकानदारी तो करना है नहीं, कंपनियों से बातचीत करनी है, पैसे का नेगोशिएशन करना है, उनसे पैसा लेना है, वो अपनी प्रचार करना है कि भाई अगर आपको सैटेलाइट भेजना हो तो हम इसरो भेज सकता है। अब इसरो तो ये काम करेगी नहीं, क्योंकि इसरो एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। अब मुझसे साइंटिस्टों को भी बोलो कि भाई तुम जाके दुकानदारी करो तो कितना बुरा मान जाएंगे, है ना। तो उसके लिए एक विशेष अलग कंपनी बनाई गई है, एक विशेष संस्थान बनाया गया जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो इस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या रॉकेट लॉन्चिंग, मतलब हम सैटेलाइट बना भी सकते हैं, इसरो के पास ये कैपेसिटी है सैटेलाइट बनाने की, उसे लॉन्च करने की दोनों है। तो मान लो कोई कंपनी है, कोई स्टार्टअप है, उसके यहाँ पैसे है, वो कहती है कि ठीक है जी हमारे को ऐसे सैटेलाइट की जरूरत है आप हमारे लिए सैटेलाइट बना दो, इसरो कहेगा ठीक है हम बना देते हैं तो बना देगी। तो ये सब इसको कॉमर्शियल करने के लिए। बोलो सर, ये NSIL और एंट्रिक्स भी है ना? एक और है, एंट्रिक्स भी है, ठीक है। तो ये जो लॉन्चिंग से रिलेटेड अरेंजमेंट को, लॉन्चिंग से रिलेटेड अरेंजमेंट के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, एंट्रिक्स भी एक कंपनी है, ठीक है। तो वो भी इसी काम के लिए, जो कि कॉमर्शियली हम इस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए बनाई गई है।
एक और ये सैटेलाइट है राइसेट, जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा ये इंजेक्ट किया गया, भेजा गया राइसेट। और इसके अंदर जो है ये भी हाई रेजोल्यूशन के कैमराज और ये सब लगे हुए हैं, तो इसका आप नाम याद कर लेते हैं राइसेट। ठीक है, ये मिलिट्री सैटेलाइट है। ठीक है, जिससे कि हम राइसेट टू हमारा ऐसा सैटेलाइट था जो कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, सर्विलांस के लिए यूज हो सकता है। अब हम आ जाते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड पर, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये बेंगलुरु में बनाई गई ऐसी कमर्शियल कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, जिसका उद्देश्य है कि इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी को हम किस तरह से कॉमर्शियली वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इसरो का अपना एक शेयर कैपिटल है 100 करोड़ रुपए का। और इसका उद्देश्य है कि हम जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्री है, उसका इंडियन स्पेस प्रोग्राम में उसको जोड़ें, उनसे इस तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप को भी एनकरेज करें कि अगर कोई ऐसा उद्यमी है जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से कोई काम करना चाहता है, तो उसको हम यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दे सकें। इसमें जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं वो इंक्लूडेड है, PSLV टेक्नोलॉजी है, इसको हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं और इस तरीके से ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये दूसरा कॉमर्शियल आर्म जो है वो अंतरिक्ष है, जो ये भी इसरो का एक दूसरा कॉमर्शियल आर्म है, जिसका उद्देश्य व्यापार करना है। ठीक है, और इसका काम है, इसका काम है कि हम अपने जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के सर्विसेज हैं, उनको हम बाजार में बेच सकें। मेरे ख्याल से, अगर मैं जैसा अंतर समझ पाया, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, कि अंतरिक्ष बेसिकली जैसे सैटेलाइट बनाने के जो काम है उसमें रहेगा, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड वो लॉन्चिंग वाले काम से जुड़ी रहेगी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी के समय पर जितना मेरे पास फैक्ट है उससे बन रही है, बट मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। और ठीक है, हमें इतना याद कर लेते हैं कि ये दो कंपनियां NSIL और अंतरिक्ष ये काम करती है। इसरो के जो अदर मिशन है उनमें नाम याद करेंगे, आदित्य L1, आदित्य मिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आदित्य? सन, सूर्य, सन। ठीक है, तो याद रखना कि आदित्य L1 मिशन है जो कि सूरज के आसपास, ठीक है, जिसका उद्देश्य है सोलर कोरोना को पढ़ना, सोलर कोरोना पर रिसर्च करना। और ये एक ऐसे ऑर्बिट में जाएगा जो सन अर्थ लैग्रैंजियन पॉइंट कहलाता है, लगभग लैग्रैंजियन पॉइंट। ओके, 1.5 किलोमीटर होगा ये अर्थ से, तो धरती से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। 100-400 किलो का ये सैटेलाइट जाएगा, PSLV के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और उद्देश्य इसका सन के कोरोना को पढ़ना, सोलर एमिशन को पढ़ना, सोलर विंड जिसकी हम उस दिन बात कर रहे थे, और फ्लेयर्स, इनको पढ़ाई करना। ठीक है, सन का कोरोना, व्हाट इज कोरोना? सूरज का कोरोना, इसकी बात सोलर विंड तो हमने पढ़ा था, आउटर पार्ट है सन का, सन का बाहरी हिस्सा सोलर कोरोना कहलाता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को फोटो में दिखा देता हूँ, तो सन सोलर जहाँ पर फिशन फिशन का प्रोसेस होता है उसी को कोरोना बोलते हैं। फिशन का प्रोसेस तो कोर में नहीं होगा, फोटोस्फीयर में होता है शायद। हाँ, वो मेरे ख्याल से सन के कोर में होगा सर। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन ही होता है सर, एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर का बाहरी हिस्सा जो होता है वो सन का कोरोना कहलाता है। देख लेते हैं फोटो में एक बार, ये देख लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर जिन लोगों सर ये ब्राइट लाइट कलर का होता है सन सरफेस का, कोई नहीं, देख लेते हैं, में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। ओके, तो ये हमारे सन को, अगर हम सन के बारे में देखना चाहते हैं कि सूरज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये सन के बीच में इसका कोर हो गया जो बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, सन का एक क्रोमोस्फेयर है बाहरी वो जो है, फिर उसके अंदर है फोटोस्फेयर, ये सब, ये उसका सन का फ्लेयर है। ये जो चीज दिख रही है सन के अंदर से ऐसी ये ऐसी लपटें सी निकलती रहती हैं, फ्लेयर का मतलब होता है लपट, है ना, तो
ऐसे ये सूरज से लपट निकलती रहती है, इनको फ्लेयर बोला जाता है। ये जो बाहरी हिस्सा है ये कोरोना कहलाता है। इसके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है हमारे लिए। तो ये सन का कोर हो गया, ये वाला हिस्सा इसका फोटोस्फेयर है, जो बाहरी बिल्कुल सरफेस जो सरफेस वो होता है वो क्रोमोस्फेयर, और उससे बाहर का हिस्सा जो है वो कोरोना कहलाता है। सोलर फ्लेयर्स होते हैं जो कि उसमें से निकलने वाली लपटें होती हैं जो समय समय पर निकलती रहती है। इसके अलावा सन पर कुछ डार्क स्पॉट भी होते हैं, मतलब वो जो इतने हीटेड नहीं होते उनको सन स्पॉट कहते हैं। तो इतनी सूरज की पढ़ाई हमारे लिए काफी है। तो ये जो सन का कोरोना है, सोलर एमिशन जो हो रहे हैं, कोरोना मास इजेक्शन जो फ्लेयर है वही ये कोरोनल मास इजेक्शन हैं। ये सब के बारे में पढ़ाई करने के लिए, इसके बारे में रिसर्च करने के लिए हम ये भेज रहे हैं आदित्य L1 मिशन। अगला है एस्ट्रोसाट। एस्ट्रोसाट हमारा इंडियन मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। जैसे स्पेस में जो हमारे जो टेलीस्कोप्स हैं, अगर हमें स्पेस को देखना है तो उसको देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप कहाँ होना चाहिए, उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए? टेलीस्कोप से कोई चीज देख रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं? एटमॉस्फेयर सर, एक तो एटमॉस्फेयर, डस्ट पार्टिकल्स और वो क्लाउड, सबसे आसान चीज। अगर हम धरती से कोई सर सही डायरेक्शन में ढूंढना है उसको बोलते हैं। टेलीस्कोप में अगर अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अर्थ पर अगर हम ऑब्जर्वेटरी बनाते हैं तो उसमें कुछ चैलेंजेस ये आएंगे। मान लीजिए हम कोई कोई फिनोमेना देखना चाहते हैं स्पेस में, उस दिन बादल आ गए तो फिर कुछ नहीं दिखेगा। मौसम में बहुत सारी डस्ट है, एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये सब के कारण टेलीस्कोप में ये समस्याएं होती हैं। और इसी पूरी समस्या को हल करने का एक तरीका ये किया गया कि भाई हम स्पेस में जाके क्यों नहीं एक टेलीस्कोप लगा देते। स्पेस में अगर लगा देंगे तो ना तो वहां मिट्टी है, ना तो बादल आते हैं, कुछ नहीं आएगा, आप देख सकते हैं आराम से, और ज्यादा नजदीक पहुंच जाएगा। तो ये काम हमारे नासा लेकिन सर लेंस डिस्टॉर्शन भी तो हो सकता है यार। हर चीज के अपने प्लस और माइनस है, तो अब उसमें नहीं जाएगी। लेंस डिस्टॉर्शन क्या होता है अब ये बताओ। इसमें ये वेरी जो लार्ज ग्लास जो लेंस होता है सर, उसको मतलब क्या करता है डिस्टर्बर, मतलब ड्यू टू जो उसका वेट होता है उसके चलते क्या होता है, अभी तुमने नहीं बता पाए लेंस डिस्टॉर्शन क्या होता है, अभी नहीं पहुंचे वहां पर, ठीक है। अगर लेंस डिस्टॉर्शन की बात करोगे तो स्पेस में भी होगा तो यहाँ भी हो सकता है, स्पेसिफिकली वो बात करना चाहते हो तो। खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि हम ऐसी जगह टेलीस्कोप को रखना चाहते हैं जहां पर हमें ये जो मेजर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं वो ना मिले। और इसके लिए हम इस नासा ने ये काम शुरू किया था, हबल स्पेस टेलीस्कोप भेजा गया था, और हबल की जगह से अब उसको रिप्लेस करके नासा ने कौन सा नया बना दिया है? हबल को रिप्लेस करने के लिए कौन सा बनाया गया है, भेजा गया है? जेम्स वेब, ठीक है। तो अब इसको रिप्लेस करके जेम्स वेब बना दिया है, डाल दिया है वहां पर स्पेस में, जिससे वो स्पेस ऑब्जर्वेटरी। तो भारत ने भी अपना एक इस तरीके का स्पेस ऑब्जर्वेटरी अपना बनाया है, जो जिसका नाम जो एस्ट्रोसाट के नाम से भेजा गया है। ये इसरो का प्रोजेक्ट है। ओके, इसके बाद इसके बाद अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये सब इसका हिस्सा होंगे, ये सब अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये हमने काम किया एस्ट्रोसॉट के जरिए से, जिसके जरिए से हम अपना एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे जो अदर स्पेस मिशन है जो इसरो के इम्पोर्टेंट मिशन है उसमें है शुक्रयान 1, ठीक है। हम शुक्रयान 1 पर काम कर रहे हैं। वीनस, शुक्र ग्रह किसको बोलते हैं? वीनस ग्रह को, ठीक है। वीनस पर हम ये मिशन भेज रहे हैं शुक्रयान 1।
जो उसके एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेगा। हम वैसे वीनस में ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, जबकि वीनस इस लगभग बराबर है ट्विन सर वहां पे वो नहीं एयर नहीं है ना, एयर वगैरह नहीं है, वाटर नहीं है, नहीं कुछ है यहाँ पर, नहीं यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत केमिकल्स इस तरह से। वीनस देखने में बिल्कुल अर्थ के जैसा दिखता है दूर से, परंतु ग्लोबल वार्मिंग होता है सर वहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग एग्जैक्टली, वहां पर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक्सट्रीम लेवल पर है, वहां का जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक्सट्रीम लेवल पर है, जिसके कारण से वहाँ बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो लिवेबल नहीं है, इसलिए वीनस पर बहुत काम नहीं हो रहा, जबकि मार्स रिलेटिवली मोर सूटेड है, इसलिए मार्स पर ज्यादा काम हो रहा। शुरुआत में लोग वीनस में, जब इतनी रिसर्च नहीं थी तो वीनस के ऊपर ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ओके, तो हम ये शुक्रयान भेज रहे हैं उसके लिए, मंगलयान टू एक और मिशन मार्स के लिए, निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रिडार, ठीक है, ये नासा और इसरो का एक ज्वाइंट प्रोग्राम है, जिसमें कि सिंथेटिक अपर्चर रडार इसको भेजा जाएगा। इसके बाद ये प्रोजेक्ट हमारा उन्नति प्रोजेक्ट है, दैट इज यूनि स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, यूनि स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, उन्नति प्रोग्राम, जिसमें अपनी जो है नैनो सैटेलाइट्स डेवलप करने की कैपेसिटी को इसरो विकसित करेगा, उसको और आगे बढ़ाएगा। इसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी सेल, आईआईटी के अंदर में 5 स्पेस टेक्नोलॉजी बनाए गए हैं, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास के अंदर में, जिनका उद्देश्य होगा स्पेस टेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन के लिए ज्यादा अध्ययन करना। तो हमने स्पेस टेक्नोलॉजी सेल पढ़ा, उन्नति पढ़ लिया, हमने अपना जो एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी वो पढ़ लिया, तो ये शुक्रयान पढ़ा, मंगलयान टू पढ़ा, ये सब आपको नाम याद रखने हैं, याद रखिए और उसमें फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब नासा पर आ जाते हैं, भारत मतलब जो नासा है, नासा की रिसर्च जो यूएसए की एजेंसी है वो सबसे ज़्यादा है इस पूरे फील्ड में, तो नासा के जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी देर के लिए बात कर लेंगे। कोई एक इनसाइट मिशन है, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव है जो मार्स प्लैनेट है, मार्स प्लैनेट के डीप सरफेस का अध्ययन करना, तो ये इनसाइट मिशन है। नासा ने अपना जो वॉयेजर 2 था, ठीक है, इस वॉयेजर 2 के कुछ ग्लिचेस को ठीक कर लिया है, और ये वॉयेजर 2 जो है एक ऐसा स्पेसशिप है जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून चारों ग्रहों को नजदीक से पढ़ाई करने का, उनको रिसर्च करने का लिए काम कर रहा है वॉयेजर 2, ठीक है, तो इनसाइट मिशन, वॉयेजर 2 मिशन। इसके बाद तो वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करेगा। व्हाट इज इंटरस्टेलर स्पेस? इंटर सर जहां पे गैसियस प्लैनेट्स होते हैं, हाँ मतलब बेसिकली जहां सूरज का जो क्षेत्र है वो लगभग खत्म हो जाता है और वो दूसरे उसके बीच में आ जाता है, जो हमारा जहाँ सोलर सिस्टम की लिमिट हो जाएगी उसके बाद के हिस्से को हम इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं। तो ये जो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, ये दोनों जो है इंटरस्टेलर स्पेस में चले जाएंगे, वहां से भी अपने अपने सिग्नल भेजते रहेंगे। ये जो है ये हमारा यूरेनस को 1996 में पार किया, 86 में, 1979 में नेपट्यून को वॉयेजर 1 ने।
ये एक और हमारे नासा की खोज है कि मीथेन, मार्स के सरफेस पर मीथेन मौजूद है। तो ये नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने इस बात को पता किया है कि यहाँ पर मीथेन गैस मौजूद है हाईएस्ट लेवल पर, मतलब बड़ी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है मीथेन गैस। और मीथेन गैस होने का एक हमारे लिए क्या एडवांटेज है, क्यों इंटरेस्ट है हमारा, कि मीथेन कुड बी अ साइन ऑफ लाइफ। क्यों, मीथेन का जीवन से क्या संबंध है सर? क्योंकि कुछ भी अगर डिकम्पोज होता है तो उससे मीथेन गैस आता है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हमारा जो नाइट्रोजन बेसिस है, ठीक है, वो जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये नाइट्रोजन बेसिस, मीथेन भी एक NH3, मीथेन CH क्या फॉर्मूला होता है, उसमें भी नाइट्रोजन होता है ना? नो सर, CH4 होता है। CH4 होता है, ओके, मैं भी बताओ यार तुम लोग, अब मुझे भी एथेन C2H2। सर C2H6 होता है सर, इथेन C2H6। यस सर, सर अल्केन पर चलेगा क्योंकि इथेन का जो उसका नंबर ऑफ एटम्स 2 होता है और अल्केन पर C2H2N+2 होता है, तो उस पर चलाएंगे तो C2H6 हो जाएगा सर, C2H6। और ये यस सर, ये कितना होगा मीथेन सर? मीथेन CH4 ही होगा सर, क्योंकि उसका सर उसका एक होता है ना नंबर ऑफ एटम्स कार्बन का, और अल्केन पर चलता है सबको मैंने म्यूट कर दिया है, ठीक है, चलिए तो ठीक है, अच्छी बात है, हमारे यहाँ कुछ अच्छे केमिस्ट्री बच्चों को आती है तो मेरे को भी थोड़ी बहुत आपसे सीखने को मिलेगी। अच्छा चलो, तो हमारे जो मीथेन है, मीथेन बेसिकली जो कार्बन है, कार्बन नाइट्रोजन जो हमारे लिविंग बींग्स का एक बेसिक एलिमेंट है, ठीक है, जीवन का एक बेसिक स्रोत है कार्बन और नाइट्रोजन। तो उसके मिलने से एक तरीके का वो है कि ये इंडिकेटर हो सकता है, भारत जैसे हमारे धरती पर ज़्यादातर मीथेन जो है लिविंग बींग द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा ये जियोलॉजिकल सोर्सेज से भी निकलती है, परंतु ज़्यादा मीथेन हमारे धरती पर उससे मिलती है, मैं लिविंग बींग से। तो अगर मीथेन यहाँ पर मिल रही है तो हो सकता है, देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, मे बी अ रिमोट पॉसिबिलिटी, बट येस देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन इंडिकेट लाइफ ऑन मार्स। एक और ये कार्यक्रम है वो है ड्रैगन फ्लाई मिशन, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है टाइटन के को क्रॉस करेगा, जो कि सैटर्न प्लैनेट का जो शनि ग्रह बोलते हैं ना सैटर्न को, शनि, यस सर, उसका सबसे बड़ा सैटेलाइट, उसका सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन, और टाइटन के अध्ययन के लिए भेजा गया। टाइटन मतलब हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके इम्पोर्टेंट नेचुरल सैटेलाइट में कहा जाता है। किसका घर है टाइटन सर? मार्वल्स जो मूवी था उसमें सर थैनोस यहीं से आया था। थैनोस आया था ना यहाँ से? मुझे थैनोस का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ये वाली मूवी देखी थी, आई रियली फाउंड थैनोस इंटरेस्टिंग। एक दो ही मूवी मैंने इसकी देखी है मार्वल की। सर, मुझे सर ड्रैगन का सीईओ एलन मस्क है क्या सर? क्या चीज सर? ड्रैगन स्पेस जो ड्रैगन सर उसका सीईओ? नहीं मुझे नहीं जानकारी नहीं। तो ये ड्रैगन फ्लाई मिशन है, ठीक है, तो ये टाइटन जो प्लेनेट है उसका अध्ययन करेगा ड्रैगन फ्लाई मिशन, और ये इसके न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम, जो नासा का न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम है उसका हिस्सा है ड्रैगन फ्लाई मिशन।
फिर नासा का एक और वो है प्रोग्राम जिसका नाम है न्यू होराइजन मिशन, जिसका उद्देश्य है प्लूटो को और कुइपर्स बेल्ट. प्लूटो इज द प्लेनेट. यस सर. नो सर. इट इज अ नो सर. इट इज अ ड्वार्फ प्लेनेट. ड्वार्फ प्लेनेट बोना ग्रह. ये याद रखना है कि ये ग्रह नहीं है. अगर किसी ने बोला कि प्लूटो इज अ प्लेनेट, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. इट्स अ ड्वार्फ प्लेनेट. ठीक है. सो नाउ वी हैव ओनली 8 प्लैनेट्स जिसमें कि प्लूटो नहीं है. इसके अलावा प्लूटो का अध्ययन और कुइपर बेल्ट का अध्ययन करने के लिए इसको बनाया गया है. कुइपर बेल्ट कहाँ पर है? कौन से दो उनके बीच में है? कुइपर बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच में भी है और सर आगे ट्विन के बीच में और मिलेगा. मंगल और बृहस्पति वाली को कुइपर नहीं बोलते हैं, उसको दूसरा नाम है उसका. सर मंगल और बृहस्पति के बीच में जो वो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं. और ये होती है शायद प्लूटो और उससे आगे शनि ग्रह के बीच में, शायद ये वाली को कुइपर. नेपच्यून और प्लूटो के बीच में, नेपच्यून के आसपास है. ठीक है. तो मतलब आगे वाली और पीछे वाली ऐसे याद किया हुआ कर लेगा. ठीक है. जो पीछे वाली है वो कुइपर बेल्ट है और आगे वाली जो है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट है. मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है. एस्ट्रॉइड बेल्ट का कॉन्सेप्ट सबको पता है? अगर नहीं पता तो दो वहां पे दो मिनट में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ आपको. ठीक है. तब तक आप लोग देखिए कि कुइपर बेल्ट और जो जितनी बेल्ट है कौन सी बेल्ट है. ठीक है. मैं दो मिनट में ज्वाइन.
हाँ चलिए, तो आप लोगों ने देखा खुपियर और एस्ट्रॉइड बॉल। नहीं जी सर, यस सर हो गए, जी सर हो गए। खुपियर बेल्ट में बृहस्पति शनि और यूरेनस के बीच में मिलेगी। ठीक है, तो ये दो बेल्ट है, तो बहुत छोटा इसमें चलेगा। तो ये हमारा सोलर सिस्टम हो गया। ये इस सोलर सिस्टम में ये सन, मरकरी, फिर उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद में एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट हमारे रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कुछ ग्रहों के, दो स्पेसिफिक जगहों पर ये ज्यादा उसमें देखने को मिलते हैं। तो एक लोकेशन है जो कि मार्स ग्रह का ऑर्बिट जो है, और जो जुपिटर का ऑर्बिट है, ये जुपिटर है, इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में ये हमारा मार्स ग्रह हो गया और ये हमारा जुपिटर ग्रह हो गया। तो इसका ऑर्बिट और इसके ऑर्बिट के बीच में बहुत मात्रा में ये वाले रॉक्स देखने को मिलते हैं। तो एक ये लोकेशन है और इसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये वाली लोकेशन को हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। और एक ये है जहां पर एक लोकेशन है जहां हमारा सोलर सिस्टम नेपट्यून प्लेटू इसके बीच में। अच्छा, प्लेटू का कोई अपना स्पेसिफिक ऑर्बिट नहीं है, ये घूम मतलब बदलता है कभी कभी, शायद आगे पीछे भी हो जाता है, कभी नेपट्यून पीछे भी चला जाता है कुछ जगहों पर। तो ये वाली लोकेशन पे जहां नेपट्यून खत्म हो रहा है उसके बाद वाले जगह पर एक और बेल्ट इसी तरीके की देखने को मिलती है जिसे हम कूपियर बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गई हमारी कूपियर बेल्ट और ये हो गया हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये हो गया हमारा टाइटन, थैनोस का घर। ठीक है, तो ये थैनोस का घर, ये सीरीज, ये सब ड्वार्फ प्लैनेट है, सीरीज, एरिस, प्लूटो। ठीक है, ये हमारे स्मॉल प्लैनेट्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, बेसिकली दे आर नॉट प्लैनेट्स, वो इतने बड़े नहीं है कि हम उन्हें प्लैनेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। और ये बीच में हमारे ये कॉमेट इसमें घूम रहा है, कुछ कुछ कॉमेट्स सन के आसपास चक्कर काटते रहते हैं, बिल्कुल कभी सोलर सिस्टम के बाहर चले जाते हैं फिर अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हमारे आसपास घूमते रहते हैं। अभी धरती के बहुत नज़दीक कुछ दिन पहले एक सेलेस्टियल बॉडी ने धरती को बहुत नज़दीक से क्रॉस किया है। अगर धरती से कोई सेलेस्टियल बॉडी टकराएगी तो क्या हो जाएगा? कोई और बॉडी आके, कोई रॉक आके टकरा जाए, कॉमेट आके टकराए तो क्या होगा? सर एक लेक बना हुआ है ना वहाँ महाराष्ट्र में, हाँ वो भी तो सेलेस्टियल बॉडी के, लूनार लेक जो है वो भी तो सर सेलेस्टियल बॉडी के ही टकराव से हुआ था ना, क्रेटर बन गया है। एक और जो मतलब अगर कोई बड़ा हमारे सामने मतलब मान लीजिए 1 किलोमीटर का कोई सेलेस्टियल बॉडी टकरा गया धरती से तो क्या होगा उससे? सर अगर किसी जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा आबादी है तो वहां पे बहुत नुकसान करेगा, पूरी धरती पे बहुत नुकसान करेगा। डायनासोर के खत्म होने के पीछे अगर करीब 1 किलोमीटर के ऊपर का अगर कुछ सेलेस्टियल बॉडी छोटे टकराते हैं तो वो तो खैर वो हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। परंतु अगर कोई बड़ा सेलेस्टियल बॉडी जो कि मतलब अगर थोड़ा सा बड़ा रॉक है तो वो टकराता है तो वो धरती पर जीवन को बहुत भारी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, उसे खत्म कर सकता है। जो डायनासोर का जो एक्सटिंक्शन है, डायनासोर किसी समय पर धरती में सबसे डोमिनेंट जीव हुआ करते थे। एक समय ऐसा था जब डायनासोर्स, इसीलिए डायनासोर्स को लेके एक ऑब्सेशन है हमारा, तो डायनासोर एक समय पर धरती के सबसे डोमिनेंट स्पीसीज थे। पर ये डोमिनेंट स्पीसीज एकदम से किसी समय खत्म हो गई, गायब हो गई। तो आज के समय में डायनासोर के केवल अवशेष ही मिलते हैं, डायनासोर नहीं मिलते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका मतलब जो सबसे एक्सेप्टेबल वो माना जाता है कि धरती से एक सेलेस्टियल बॉडी टकराया था जहाँ साउथ अमेरिका
और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, और वहां पर एक बड़ा सा क्रेटर भी बना हुआ है, करीब 5 किलोमीटर का वो क्रेटर बना हुआ है उसके कारण है। और उसके कारण से उसने एक वो डिजास्ट्रस सीक्वेंस शुरू किया, उसे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, उसने जो ऊर्जा पैदा की उससे बहुत बड़ी फायर शुरू हुई, आग लगनी शुरू हुई, बहुत सारी डस्ट इकट्ठी हुई, उस डस्ट ने पूरे धरती को चारों तरफ से घेर लिया। उस जो टकराने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो कई थाउजेंड्स ऑफ नहीं उससे भी ज़्यादा शायद, वो कई थाउजेंड ऑफ हाइड्रोजन बम के बराबर से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उससे बहुत सारी आग लगी और बहुत कुछ हुआ। अगर आप लोग उसको थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो वो मिल भी जाएगा आपको कहीं ना कहीं। तो उसने हमारे जो डायनासोर थे उनको ख़त्म कर दिया और उसने जीवन का धरती पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था, परंतु धरती पर जीवन धीरे धीरे वापस रीस्टोर हुआ। तो ये जो एस्ट्रॉइड बॉडीज हैं अगर ये टकरा जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम उनके हो सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे, इसीलिए हमारा ये रहता है, नज़र रहती है कि कौन सा एस्ट्रॉइड बॉडी भारत की इन अर्थ की तरफ आ रहा है। सर ओसाइरिस रेक्स मिशन जो है वो एस्ट्रॉइड बेनु पे, तो वो क्या नासा के उससे है क्या, नासा बनाया उसको? जी मेरी समझ से, मेरे ख्याल से यस, ये एस्ट्रॉइड रेक्स मिशन, न्यू होराइजन मिशन प्लूटो और कुपियर बेल्ट के लिए है, जूनो मिशन जुपिटर के अध्ययन के लिए है, और ओसाइरिस रेक्स मिशन एस्ट्रॉइड बेनु के लिए है। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी है, एक मिशन वो भी है, पता नहीं उसका नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें एक एस्ट्रॉयड को डिस्ट्रॉय भी किया गया था इसी चीज को चेक करने के लिए कि क्या हमारे पास ये कैपेसिटी है। मान लीजिए कल साइंटिस्टों को पता चलता है कि भाई एक महीने बाद धरती की तरफ एक एस्ट्रॉयड सीधा धरती के लाइन में बढ़ा चला आ रहा है और ये धरती से आके टकराएगा, क्योंकि उसको हम प्लॉट कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकें अगर कोई ऐसा एस्ट्रॉयड हमारी तरफ आ रहा है तो? तो उसके लिए भी एक मिशन था, मुझे पता नहीं कि ये ओसाइरिस वही वाला है या कोई और है, और तो उसके लिए एक मिशन बनाया गया, भेजा गया था। अच्छा, टाइटन, टाइटन जो है हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा मून है, ठीक, जो कि मरकरी ग्रह से भी बड़ा है। ज़्यादातर ये नाइट्रोजन से बना हुआ है जैसे कि अर्थ, और इसका जो लैंडस्केप है उसमें बहुत सारे सैंड ड्यून वाटर वेज हैं, यहाँ पर लिक्विड मीथेन है और यहाँ पर पानी मिलता है। तो ये भी एक कारण है कि टाइटन में हमारा इंटरेस्ट है, क्योंकि टाइटन में कई सारी ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है जिसमें हमें लगता है कि जीवन की संभावना हो सकती है, इसलिए हम ये मिशन पर, टाइटन के मिशन पर काम करते हैं। सैटर्न का एक मिशन है जिसका नाम है कैजिनी मिशन, कैजिनी, और जो नासा और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी के कोलैबोरेशन से कैजिनी मिशन भेजा गया। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि कम से कम आप जितने मेजर मिशन हैं उनके नाम लिख लें और उसका क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है, कि वो जुपिटर के लिए है या किसके लिए है, वो एक लिस्ट अपने नोट्स में बना लें ताकि आपको एक मोटे मोटे तौर पर रहे। जूनो जैसे जुपिटर, और जूनो इसलिए जुपिटर और नेपट्यून के लिए था सर, तो इसलिए इसको जूनो बोला गया। न्यू होराइजन प्लूटो के लिए है, तो ऐसे हमें याद रहने चाहिए कि कौन सा मिशन किस चीज के लिए भेजा गया। ठीक है, ये तो आपके पास फाइल शेयर होगी, जो नासा के छोटे छोटे मिशन है उनको आप देख सकते हैं। अलावा अदर स्पेस मिशन है, रावण अवनाव मिशन है, रावण वन, ठीक है, जो श्रीलंका का सैटेलाइट है, ये स्पेक्टर आरजी है जो रशिया का मिशन है, स्काईबॉट F50, ठीक है, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। व्हाट इज अ ह्यूमनॉइड या ह्यूमनॉइड रोबोट, ये शब्द हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज ह्यूमनॉइड। सर उसमें रोबोट, सर हु कैन वर्क लाइक ह्यूमन, ह्यूमनॉइड मतलब जिसमें ह्यूमन और मशीन दोनों के फीचर्स हो, ठीक है, तो वो ह्यूमनॉइड है।
इंसानों के अंदर भी इस तरीके, जैसे आज के समय में कुछ ऐसे आर्म्स बनाए गए हैं, हाथ ऐसा बनाया गया जो कि मशीन से बना है, तो उस मतलब उस आर्म को यूज करके, उस हाथ को यूज करके इंसान बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। तो ऐसे ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं, दिमाग के लिए भी कुछ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जिन पर काम चल रहा है। तो ऐसे ह्यूमनॉइड्स के डेवलपमेंट के लिए, ऐसे रोबोट्स के लिए जो ह्यूमन जैसे काम कर सके, इसके लिए काम चल रहा है। ओके, ये हो गया हमारा चांगी फोर। ये चाइना का लूनर प्रोग्राम है, जैसे हमारा चंद्रयान है ऐसे उनका चांगी 4। ये भी साउथ पोल के अध्ययन के लिए वो भेज रहे हैं। फिर ये एक होप स्पेस क्राफ्ट है यूएई का, दुबई का, यूएई का, जो एमिरेट्स का मार्स मिशन है, एमिरेट्स का मार्स के लिए मिशन है। क्लियर स्पेस 1 यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। रिमूव डेब्री मिशन, ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। हमारे सामने जो स्पेस डेब्री है, स्पेस डेब्री क्या होता है सर? जो सैटेलाइट्स ओल्ड हो जाते हैं तो वो टुकड़ों में बट जाते हैं, तो वो स्पेस डेब्री बोलते हैं उसको, क्योंकि वो राउंड राउंड मतलब उसी जोन में वो घूमते रहते हैं, ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। ठीक है, अगर जैसे भारत में कचरा होता, जो स्पेस का कचरा है, वेरी करेक्ट, जो स्पेस का कचरा है, और स्पेस के कचरे का सबसे बड़ा चैलेंज है कि स्पेस का कचरा उसी स्पीड से स्पेस में घूमता रहेगा, हमारे अर्थ के उन ऑर्बिट में घूमता रहेगा। अब ये स्पेस के कचरे का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेस का कचरे का यह प्रॉब्लम हो सकता है कि वो दूसरे सैटेलाइट से टकरा सकता है सर, टकरा सकता है, और अगर वो टकराएगा तो उससे वो दोबारा से और कचरा बनाएगा, जिससे कि और स्पेस डेब्री क्रिएट हो सकता है। एक फेमस मूवी है, अगर आप में से देखी हो, उसमें ये स्पेस डेब्री का प्रॉब्लम दिखाया गया है। यस सर, ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी में, यस ग्रेविटी में वही इशू है, वो जो उनका सैटेलाइट होता है वो स्पेस डेब्री से टकरा जाता है, और फिर उसके बाद वो और डेब्री बनता है, तो उसके लिए काफ़ी, जो स्पेस स्टेशन होता है उसको नुकसान पहुंचता है, और फिर उसके बाद काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। स्पेस स्टेशन का कॉन्सेप्ट आप सब लोग समझते हैं, व्हाट इज स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पे ह्यूमन रिसाइड करते हैं ना? हाँ, जो स्पेस के अंदर में एक खास जगह पर, मतलब एक खास ग्रुप ऑफ सैटेलाइट है, धीरे धीरे करके उसमें कुछ कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो जो हमारे स्पेस में लोग जाते हैं, तो वहाँ पर एक स्पेस में सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ पर आप कुछ समय पर रह सकते हैं, वहाँ पर कुछ लोग अलग अलग, और ये इंटरनेशनल कोलेबरेशन से बना है, अंतर्राष्ट्रीय, किसी ने कुछ उसका एडिशन है उसमें, चाइना, इंडिया का तो खैर उसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, और यूएसए का, रशिया का, इनके द्वारा मिलकर ये एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो स्पेस में हमारे जो ये जाते हैं, स्पेस वाले जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, उनके रुकने के लिए, वो जो वहाँ रुकते हैं तो वहाँ पर ही जाकर स्पेस स्टेशन में रुकते हैं, और ये इंटरनेशनल कोलेबरेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये कुछ कुछ और भी हैं, ये आप एक बार खुद भी देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं अदर इस बेस इंटरनेट पर। तो हमारी जो अमेरिका की कंपनी स्पेस एक्स है, उसने स्पेस बेस्ड इंटरनेट के लिए एक काम शुरू किया है, जिसके लिए 60 स्मॉल सैटेलाइट्स को भेजा गया है लो अर्थ ऑर्बिट में, जिसके द्वारा धरती पर सभी लोगों को लो कॉस्ट पर इंटरनेट प्राप्त हो सके। जो इंटरनेट है, अगर हम सैटेलाइट इंटरनेट या सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें, तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है, काफ़ी महंगा होता है, उसको नॉर्मली हम अभी नहीं यूज़ करते हैं, परंतु कुछ केसेज में, जैसे सैटेलाइट फ़ोन का जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ द सैटेलाइट फ़ोन?
सैटेलाइट फोन होता है जो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकता है, लाइक हमारे नॉर्मल फोन्स की तरह नहीं है। जैसे नॉर्मल फोन कैसे काम करते हैं सर, वो वायरलेस की तरह होता है सर, काम करते हैं सर, वायरलेस कैसे काम करेगा सर? हमारा मोबाइल फोन भी तो सैटेलाइट फोन ही है ना, बताइए। नो, हमारा सैटेलाइट फोन नहीं है, वो टावर के थ्रू चलता है, सिग्नल आते हैं ना उनसे चलता है। सैटेलाइट फोन डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकता है। हमारा तो जंगल हो गए, उसमें भी आराम से इजीली कनेक्ट कर सकता है। हमारा हम जिस सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक बिल्कुल बताया कि हम जिस सिस्टम को यूज करते हैं, जो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, वो बेसिकली टावर बेस्ड कनेक्शन है। हमने ऐसे बहुत सारे ये बनाए हेक्सागन। हर हेक्सागन में एक टावर फॉर्म सैटेलाइट लगाया। ठीक है, तो हर एक में एक टावर लगा हुआ है, ये टावर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमारा जो हम जो सैटेलाइट फोन यूज करते हैं, वो मोबाइल फोन यूज करते हैं, वो क्या करता है, मान लीजिए आप इस टावर के ज्यूरिडिक्शन में, ये टावर इसके अंदर, इस रेंज के अंदर जितने फोन होंगे उनके साथ ये टावर कम्युनिकेट करेगा। इस फोन की जो हमारी जो ये टावर की रेंज होती है, बस वो यहीं तक होती है, इससे बाहर वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इसके बीच में अगर आप यहाँ मौजूद है और दूसरा व्यक्ति यहाँ मौजूद है, तब तो ये जोड़ देगा, परंतु ये उसके बियॉन्ड में नहीं जोड़ सकता। तो हमारे जो मोबाइल टेलीफोन है, उसमें क्या किया जाता है, हमारे फोन को इस टावर से कनेक्ट किया जाता है। हम मान लीजिए यहाँ लोकेटेड है, आप यहाँ लोकेटेड है, तो कैसे होगा, हमारा फोन इस टावर से कनेक्ट होता है, फिर ये टावर इस टावर को सिग्नल देता है, ये टावर फिर यहाँ से इस आदमी को कनेक्ट करता है। तो इससे ये ए टू बी कनेक्शन हो सकता है। ये इंटरनेशनली भी इन टावर्स का कनेक्शन आप इसी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो हमारी जो मोबाइल टेलीफोनी है, ये मोबाइल टेलीफोनी इस तरीके के हेक्सागोनल सिस्टम पर काम करती है, जिसमें बहुत सारे टावर लगे हुए हैं और ये टावर एक से दूसरे टावर तक अपना कम्युनिकेशन को भेज सकते हैं, या इवन सैटेलाइट को यूज करके भी भेज सकते हैं। मान लीजिए दूसरे देश भेजना है, तो ये सैटेलाइट को भेजेगा, उसके आगे भेज देगा। सैटेलाइट बेस्ड फोन होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि मान लीजिए ये हमारी धरती है, यहाँ हमारा सैटेलाइट घूम रहा है, यहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ दूसरा व्यक्ति मौजूद है जिसको आप फोन करना चाहते हैं, आप इससे बात करना चाहते हैं। नॉर्मल सिस्टम में आप इस तक कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और मान लीजिए वो ऐसी जगह पर है जहाँ जो टावर है, मोबाइल टेलीफोनी के टावर्स हैं, वो मौजूद नहीं है, या आप नहीं चाहते कि मैं मोबाइल टेलीफोनी में एंटर करूँ, सिक्योरिटी रीजन भी हो सकता है। मान लीजिए एक डिफेंस पर्सनल है, तो डिफेंस में खासतौर में इन सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उनके लिए सिक्योरिटी भी एक इशू है, क्योंकि जैसे ही मोबाइल टेलीफोनी में आप एंटर करोगे, कोई दूसरा आदमी आपकी बातों को रीड कर सकता है कि आप क्या कर रहे हो, और दूसरा हो सकता है वहाँ मोबाइल वो टावर ना हो। तो ऐसे में ये जो सैटेलाइट फोन होता है, वो सैटेलाइट पर मैसेज भेजता है और ये सैटेलाइट इसको कनेक्ट करता है, ये वाले फोन कहलाते हैं सैटेलाइट फोन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन वन टू वन यूज बंद रखिएगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम वन टू वन यूज नहीं करते, जब तक जरूरी नहीं हो तब तक आप अपना माइक्रोफोन ऑन मत करिए। अच्छा, सैटेलाइट फोन का हम इस्तेमाल एक मतलब सरकार तो कर लेती है, जैसे अब मान लीजिए हमने यहाँ से सरकार या बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो करते हैं, पर इंडिविजुअल लेवल पे हम कम करते हैं कि भाई हमें यहाँ से सिग्नल भेजना है और लेट से चाइना कनेक्ट करना है, तो हमारा एयरटेल इसको ले लेगा, सैटेलाइट को सिग्नल भेज के यहाँ पर ले ले, या BSNL या काम करे, तो ये लेवल पे तो काम होता है, पर इंडिविजुअल लेवल पर हम ये काम नहीं करते हैं। तो ये हमारी जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। आने वाले समय में हमारा जो इंटरनेट है, वो इस प्रकार का इंटरनेट बन जाएगा जो डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू ही काम करेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी
कम हो रही है, तो इसी पर इन्वेस्ट कर रहा है ये स्पेस एक्स नाम की कंपनी, जो अपने 60 सैटेलाइट के जरिए से एक स्टारलिंक नेटवर्क, ऐसा एक नेटवर्क, इंटरनेट का नेटवर्क बनाना चाहता है जो कि नॉन स्टॉप हो और लो कॉस्ट हो, कहीं के दूर दराज के इलाकों में। इसमें क्या होगा, हमें जो मोबाइल टावर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना मोबाइल टावर के भी हम आपस में बात कर सकेंगे। सर मोबाइल टावर जो होता है तो इस कम्युनिकेशन में सैटेलाइट का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता? नहीं, हो सकता है, पर हमारे कम्युनिकेशन में हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, हम टावर को भेजेंगे। अब टावर से मान लीजिए एयरटेल, आपने फोन किया, आपका एयरटेल के टावर में फोन चला गया, उससे उसके बड़े हेडक्वार्टर में चला गया। अब मान लीजिए वो कॉल आप यूएसए करना चाहते हैं, जो कि टावर टू टावर कनेक्ट नहीं हो सकता या फाइबर से कनेक्ट नहीं है, कहीं कहीं तो फाइबर है कहीं फाइबर नहीं है, जैसे हमने पूरे भारत में तो फाइबर से कनेक्ट कर रखा है, तो ये टावर पर पहुंचा, लेट से हमें चेन्नई कॉल करना है, पहले एक उदाहरण लेते हैं, दिल्ली से चेन्नई कॉल करना है, तो आप मान लीजिए बिहार में बैठे हुए हैं, तो आप ही का उदाहरण लेते हैं, आपसे बिहार में मेरी हमारी बात कैसे हो रही होगी, हम कॉल करेंगे, मैं कॉल करता हूँ, तो मेरी टावर के पास सिग्नल गया, वो सिग्नल को नीचे डाउनलोड करेगी, हो सकता है उनका कुछ और इंटरमीडिएट भी हो कि वो दिल्ली में जितने सिग्नल है उनको इकट्ठा करे, फिर वहां से फाइबर के थ्रू, यहाँ से जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू वो आपके यहाँ की टावर पर वो सिग्नल पहुंचेगा, आपके यहाँ जो टावर होगी, और फिर वो आपके टावर से वो आप तक वो सिग्नल पहुंचेगा, तब आपसे ये हमारा कम्युनिकेशन वो पूरा होगा, ठीक है। ऐसे ही हमें दिल्ली से चेन्नई करना है, तो मैं यहाँ से पहले अपनी टावर को कांटेक्ट करूंगा, मेरी टावर फिर उस सिग्नल को चेन्नई ट्रांसमिट करेगी, चेन्नई में एक और टावर खड़ी हुई है, वो टावर उस सिग्नल को उस कंसर्न पर्सन तक पहुंचेगी, तो हम दोनों के लिए बेसिकली वायरलेस हो गया, पर बाकी जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो वायर्ड कम्युनिकेशन है। हेलो सर, अभी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अब मान लीजिए वायर्ड कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक तो है, अब मान लीजिए मेरे को यूएसए कॉल करना है, इंडिया से यूएसए कॉल करनी है दिल्ली से, अब ऐसे में क्या होगा कि हो सकता है यूएसए और दिल्ली के इंडिया के बीच में फाइबर कनेक्शन ना हो, वी आर नॉट श्योर और मोस्ट लाइकली है भी नहीं, ठीक है, तो जो फाइबर कनेक्शन है वो तो है नहीं, तो कैसे हम इंडिया से यूएसए कॉल करेंगे? फाइबर बिछाना इंडिया से यूएसए बहुत महंगा है, दिल्ली से चेन्नई बिछाना, दिल्ली से बिहार बिछाना तो पॉसिबल है क्योंकि जमीन है, पर इंडिया और यूएसए के बीच में तो समंदर है और कई समंदर है, तो कैसे उसको पूरा किया जाए? उसके लिए ये होगा सर, अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर भी है ना? अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर है, बिल्कुल है, पर मुझे आई एम श्योर नहीं हूँ कि हमारा यूएसए के साथ में इस तरीके का फाइबर का कनेक्शन है, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, बट मुझे डाउट है कि डायरेक्ट हमारे पास यूएसए के साथ, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है सर, नहीं है मुझे, ठीक है, मान लेते हैं कि है नहीं है, इस बात को मान लेते हैं। अब हमें यहाँ से इंडिया से कॉल करना है, हम इंडिया से पहले कॉल करेंगे अपने टावर में, टावर उस हमारे कम्युनिकेशन को डाउनलोड करेगा, उस कम्युनिकेशन को वो सैटेलाइट को भेज देगा जो हवा में उड़ रहा है, हमें पानी की जरूरत ही नहीं है, अब हम यहाँ से वो फिर सैटेलाइट को जितने कॉल जा रहे हैं इंडिया से जितने कॉल जा रहे हैं उसको उन्होंने पूल किया और एक पूल के सेंस में उस पूल को सैटेलाइट से भेज दिया, फिर ये सैटेलाइट पर पहुंचा और सैटेलाइट उसको यूएसए ट्रांसमिट कर देगा, यूएसए में फिर वो टावर में जाएगा, उस टावर से फिर वो उस व्यक्ति तक जाएगा, तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सैटेलाइट का कोई यूज नहीं है, पर सैटेलाइट को हम इंडिविजुअल लेवल पर यूज नहीं कर रहे हैं, कलेक्टिव लेवल पर यस देयर कुड बी अ यूज, परंतु जो सैटेलाइट फोन होता है उसमें हम इंडिविजुअली, जैसे एक डिफेंस पर्सनल है जब वो सैटेलाइट फोन को यूज करेगा उसमें ये टावर वावर की कोई जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत भी नहीं है उसको, उसका फोन यहां से शुरू होगा, वो डायरेक्टली सैटेलाइट को मैसेज जाएगा और डायरेक्टली दूसरे साइड में जिसके पास वो दूसरा सैटेलाइट फोन है उसके पास वो मैसेज पहुंच जाएगा, इसमें ये सब टावर वावर का झंझट खत्म हो जाएगा।
ये वाला फोन कहलाता है सैटेलाइट फोन, और इस तरीके के उसमें जो हमारा बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे अब ये टावर को बनाना, उनको मेंटेन करना, वो सब खर्चा निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। तो इससे हमारे को हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है, इसके लिए SpaceX नाम का ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। सर स्पीड भी तेज होगी सर इसमें? इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो देखो हर चीज टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है। इसकी कॉस्ट क्योंकि इसमें क्या है ना, हमारी बैंडविड्थ कितनी है, जो आज के समय में जो बेस्ट स्पीड हमें कम्युनिकेशन में मिल पाती है वो ऑप्टिकल फाइबर से ही मिलती है, लीस्ट लॉस और सबसे अच्छा आज की टेक्नोलॉजी में। बट यू नेवर नो कल क्या कोई और नई टेक्नोलॉजी आ जाए, पर आज के समय में अगर सबसे अच्छी स्पीड सबसे कम कॉस्ट पे और विदाउट लॉस मिलती है वो ऑप्टिकल फाइबर से। परंतु आने वाले समय में जैसे जो 5G का यूज होने वाला है, तो 5G में चीजें बदल जाएंगी, वहां पर जो पूरी बैंडविड्थ है, फ्रीक्वेंसी की रेंज है, वो पूरी बदल जाएगी। हो सकता है वहां पर चीजें बहुत अंतर हो जाए, हो सकता है ये ऑप्टिकल फाइबर वगैरह भी आउटडेटेड हो जाए, और वो समय बताएगा हमें। सर तो, सर ये इंडिविजुअल के लिए इलीगल होगा? इलीगल शोर आ रहा है बहुत ज्यादा, बंद कर लीजिए। तो इलीगल तो ऐसा नहीं है, ऐसे तो नहीं कह सकते कि सैटेलाइट फोन इज इलीगल, पर मतलब मैं इसके बारे में श्योर नहीं। सर सर इंडिविजुअल के लिए जैसे आपदा कोई आता है सर, उस समय तो नेटवर्क तो काम करता नहीं है, तो जो फोन हमारे होता है उसमें तो नेटवर्क जो है सैटेलाइट के थ्रू भेजना पड़ेगा, जिससे तो वही काम करेगा। तो किसी का माइक बहुत ओपन है, किसी का माइक ओपन है, निका है, तो ये मेरे ख्याल से लीगल इलीगल तो नहीं है, पर लीगल भी नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट फोन केवल जिनको सरकार देना चाहेगी, सैटेलाइट फोन के अपने आज के समय में सरकार उसको एक खतरे के तौर पर भी देख सकती है, क्योंकि सैटेलाइट फोन को सरकार कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। सैटेलाइट फोन का बहुत ज्यादा तरीके से गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मान लीजिए देश के अंदर में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करना चाहता है, और अगर उनके पास सैटेलाइट फोन है तो जो है वो उसको मिसयूज भी कर सकते हैं। तो सैटेलाइट फोन जहां तक मुझे समझ आता है वो रेस्ट्रिक्टेड यूज की कैटेगरी में होना चाहिए, फ्रीली यूजेबल नहीं होना चाहिए कि डिफेंस पर्सनल यूज करें, एस्टेब्लिशमेंट सरकार के लोग यूज करें, वो ठीक है। परंतु क्योंकि अगर सैटेलाइट फोन आम लोग यूज करने लगेंगे लीगली, तो उससे खतरा बढ़ जाएगा जब तक, क्योंकि उसके ऊपर कोई विशेष मॉनिटरिंग नहीं है, तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट आज के समय में हो सकता है। सरकार उसके लिए कुछ मेजर्स लेगी कि किस तरीके से इसको रोका जाना चाहिए। तो ये हो गया स्पेस बेस्ड इंटरनेट। तो उसी टेक्नोलॉजी से जिससे हमने टेलीकम्युनिकेशन की बात की, उसी से हम अपना इंटरनेट इस्तेमाल करें, ये SpaceX कंपनी का एक कार्यक्रम है जो इस कार्यक्रम को चला रही है। SpaceX का मालिक कौन है? एलन मस्क का ये काम है, वो ये कर रहे हैं कि हाँ हम इसको, जो कि एक अच्छी मूव हो सकती है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। समझ आ रहा है आप लोगों को? ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा? थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का, ठीक है, तो इसको समझते हैं कि ये है क्या। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा पजल है कि ये जो यूनिवर्स है ये कैसे फॉर्म हुआ, जो ये गैलेक्सीज हैं ये कैसे फॉर्म हुई। उम्मीद है सभी को एक गैलेक्सी और उसका सिस्टम पता होगा, यूनिवर्स का। यूनिवर्स लगभग 13-14 बिलियन ईयर्स पहले, हमारा जो ब्रह्मांड है, जो वैज्ञानिक आज के समय में मानते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है करीब 13-14 बिलियन ईयर साल पहले बना होगा, प्लस माइनस भी कर लेना।
ठीक है, जो जो याद आ रहा है वो 13 बिलियन ईयर 13.7 ठीक है सर, बिग बैंग थ्योरी। तो इतने बिलियन ईयर पहले ये ब्रह्मांड बना, और ब्रह्मांड बनने में एक बिग बैंग एक्सप्लोजन का रोल है कि एक समय पर सारा कुछ एक सेंटर पे हो गया और उसके बाद वो एक्सप्लोड हुआ और उससे फिर ये बनते गए। उसका एक कारण है ये बिग बैंग को हम इसलिए मानते हैं कि हमारे जो गैलेक्सीज हैं, जो स्टार हैं, वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, सभी जो है एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो सकता है? इसका कारण ये है कि एक बहुत मैसिव एक्सप्लोजन किसी समय हुआ होगा जिससे ये अलग अलग सोलर सिस्टम और स्टार्स ये बने, गैलेक्सीज बने। हमारा जो हम सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम सन होता है, ऐसे ही सन को मिलाकर बहुत सारे सूर्यों को, बहुत सारे स्टार्स को मिला के एक गैलेक्सी बनती है। एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स होते हैं? 10^11 सही, चेक कर लेना। नहीं पता सर। ओके, लगभग मुझे जो याद है कि एक गैलेक्सी के अंदर में 10^11 स्टार्स होते हैं। जैसा सूरज एक स्टार है, ऐसे 10^10^11 स्टार होते हैं। यस सर, 10^12 है। यस सर, तो 11-12 जो भी है। और फिर इस 10^12 ऐसे ही 10^12 गैलेक्सीज हैं हमारे इसमें। मतलब कितने स्टार्स हैं? 10 के पीछे 24 जीरो लगा दो, 23 जीरो लगा दो, उतने स्टार्स हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, गैलेक्सीज हैं। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। तो ये किस तरीके से उनका जन्म हुआ, नए तारे कैसे पैदा होते हैं, इस सब को पढ़ने के लिए जो नासा का टेलीस्कोप है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उस जेम्स वेब टेलीस्कोप में ग्रेविटेशनल लेंसिंग का की पढ़ाई करने का, इस पर रिसर्च करने का उनका कार्यक्रम है कि वो इसको पढ़ेंगे। जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है, जिसमें बहुत सारा मैटर, जो मैटर होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, और जिसके द्वारा जो लाइट होती है वो मैग्नीफाई होती है। जो लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है, तो वो ये लार्ज सेलेस्टियल बॉडी मैग्नीफाई होकर जो है जो लाइट को डिस्टॉर्ट करेंगे और इस प्रकार के ग्रेविटेशनल लेंसेस बनाएंगे। इसके लिए ग्रेविटेशनल लेंस को समझने के लिए पहले हम नॉर्मल लेंस को पढ़ लेते हैं। नॉर्मल लेंस कैसे काम करता है? कॉन्वेक्स लेंस सर, एक कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस पे ये डायरेक्शन में लाइट आ रही है। वो जो धूप में हम आग जलाते हैं लेंस के द्वारा, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं अभी। तो मैं धूप में लेके लेंस लेके बैठा हुआ हूँ और मेरे को आग जलानी है। तो कैसे जलेगी, जलती है आग? सर वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है लाइट सर। तो ये जो लाइट ऊपर लाइट आ रही है उसको वो कन्वर्ज करता है, वो कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस कर देता है। तो ये कन्वर्ज करके ये जितनी लाइट है, जो हीट आ रही है, उस हीट को एक पॉइंट पर केंद्रित कर देता है। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। और इसके द्वारा हम अगर इस जगह पर कागज रख लेंगे, इस दूरी पर जितनी इसकी फोकल लेंथ है, वहां पर कागज या कोई भी ऐसी चीज रखें जो जल सकती हो, तो वो जलने लग जाएगी, क्योंकि ये इग्नाइट कर देता, बहुत तेज आग होती है। इवन अगर आप अपने हाथ पर रखेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। कभी किया है किसी ने ये काम? ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल लेंस का कार्यक्रम होता है। अब जो नासा जो है वो इस चीज को करना चाहती है कि जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये क्या करते हैं, ये भी लाइट को इस तरीके से कन्वर्ज कर देते हैं। ये लाइट, वैसे जो प्रकाश होता है, प्रकाश हमेशा सीधी दिशा में चलता है। लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन,
ये आपने पढ़ा होगा। यस सर, यस सर, फिजिक्स में पढ़ा है। लाइट को बेंड किया जा सकता है, लाइट को बेंड किया जा सकता है, लाइट को बेंड किया जा सकता है। नो सर। यस नो सर। अगर हम स्पेस में देखें तो जो बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये खोज की थी आइंस्टीन ने, ये आइंस्टीन की खोज थी, उसने इसी को बाद में इसी से रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट निकाला। उसने इस बात को प्रूव किया था कि जैसे जो प्रकाश है, ये मान लीजिए हमारा सन है, यहां से लाइट पीछे से एक तारे से लाइट आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन में चली आ रही है, यहां अर्थ है, जो ये सूरज है ये अपने बड़े मास होने के कारण इस लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ये उसने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि जो बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती हैं, कर देती हैं, प्रकाश को के डायरेक्शन को चेंज कर देती, बेंड कर देती, क्योंकि उनका इनका जो ग्रेविटेशनल पुल है, क्योंकि सन हमसे बहुत बहुत करोड़ों गुना बड़ा है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो लाइट तक को भी बेंड कर देता है। तो ये बात हमें हमारे आइंस्टीन जी ने बताई थी, जिसके लिए हम उनका इतना सम्मान करते हैं। तो ये जो प्रकाश का है फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को जेम्स वेब टेलीस्कोप में हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसी फिनोमिना को, ये जो लाइट के बेंड करने की जो कैपेसिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड की, इसी का इस्तेमाल करना चाहता है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप, वेब स्पेस टेलीस्कोप, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के द्वारा। तो जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है जो लाइट को डिस्टॉर्ट और मैग्नीफाई कर देता है, जैसे अभी हमने यहाँ देखा था ना कि लाइट को मैग्नीफाई किया जाता है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इससे क्या होता है कि जब हम इससे पढ़ते हैं तो ये यहाँ जो रखी हुई चीज है, एक तो जलाने का काम कर ही रहा है, तो दूसरा काम ये भी कर सकता है कि अगर मान लो यहाँ डॉट है तो इस डॉट को ये कई गुना मैग्नीफाई कर देता है, ठीक है, ये इसका उल्टा फिनोमिना भी है। आप जब लेंस से पढ़ते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस आपके उस चीज को कई गुना मैग्नीफाई कर देता है, क्योंकि उसके अंदर से जो लाइट आ रही है वो कई गुना, जो इमेज बनती है वो वर्चुअल प्रतिबिंब इमेज बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है। उसी मैग्नीफिकेशन को इस जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा वो करना चाहते हैं, जिसके द्वारा वो नए तारों का अध्ययन कर सकें कि जो तारे कैसे पैदा होते हैं, क्योंकि जो बहुत दूर के तारे हैं हम उनके बारे में अभी ऐसे नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, बहुत कम लाइट आती है, परंतु अगर उसको मैग्नीफाई कर दिया जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये तारा, इसके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, उसके द्वारा हम उसको पहचान सकते। तो ऐसे जो है नेचुरल कॉस्मिक टेलीस्कोप ग्रेविटेशनल लेंसेज के द्वारा बनाने का, बनाना नहीं है उसमें, वो बने हुए हैं, उनको इस तरीके से अरेंज करना, उनको इस तरह से अध्ययन करना, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट, एक काम है जो जेम्स वेब टेलीस्कोप कर रहा है। वो इससे कर पाएगा तो जो जो गैलेक्सीज होंगी वो अपने साइज से बहुत बड़ी दिखाई देंगी, लगभग 50 गुना दिखाई देंगी, इससे वो बहुत दूर की चीजों को देख पाएंगे जो कि बहुत पावरफुल लेंसेज भी नहीं देख सकते, और लगभग यूनिवर्स की जो इनविजिबल थिंग है जो इतनी पीछे है कि वहां पर हमें पता ही नहीं चलती, जिनके जो डार्क मैटर है, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर डार्क मैटर, जो ये इंटरस्टेलर स्पेस होता है, यहाँ मैटर और एंटी मैटर या डार्क मैटर इसका एग्जिस्टेंस है। जो मैटर है वो एंटी मैटर के साथ एग्जिस्ट करता है। अब मैं तुम्हें एंटी मैटर नहीं समझाऊंगा क्योंकि एक मुझे वो मैंने पढ़ा दो तीन बार, मेरे को समझ तो आ गया, अपने लिए समझ आ गया, पर अभी मेरी इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं आपको एंटी मैटर समझा सकूं, मेरे को इतनी अच्छी तरह नहीं समझ आया है, तो इसलिए मैं उसे समझाने से अभी बचूंगा।
अरे ये बात आप मोटा मोटा समझ लें कि जो मैटर होता है उसी का एक ऑपोजिट होता है एंटी मैटर, वो भी एग्जिस्ट करता है। ये बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ती है एंटी मैटर की। सर मैटर का डेफिनेशन क्या है? मैटर मतलब कोई भी मटेरियल चीज, कोई भी आपके सामने जो चीजें दिख रही हैं ये मैटर है, मतलब जो जिसका एक वेट है, सब मास है, कोई भी ऐसी चीज जिसका मास है वो मैटर है। इसका एक उल्टा भी है एंटी मैटर। सर हम उसे ये कह सकते हैं एंटी मैटर को कि उसमें अपोजिट एनर्जी और पार्टिकल होते हैं। हाँ सॉर्ट ऑफ बिल्कुल। एंटी मैटर में सर पॉजिट्रॉन भी होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैटर अपोजिट चार्ज और प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम इसलिए उसको एंटी मैटर बोल देते हैं। Not exactly, वो अपोजिट चार्ज वाला मामला नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाला मामला नहीं। सर मैंने ना एक्चुअली ये ना मतलब जब हम ऐसी मैं गूगल पे डाल के देख रही थी पहले, तो उसमें लेमेंस लैंग्वेज जो एक सिंपल टर्म्स जो होते हैं उसमें उन्होंने लिख रखा था कि जिसके अंदर बट कि दे हैव द सेम मास एंड पार्टिकल्स ऑफ ऑर्डिनरी मैटर बट दे हैव अपोजिट चार्ज एंड प्रॉपर्टीज। हाँ सॉर्ट ऑफ जैसे कि मतलब वेट है तो वो मास है उसका नेगेटिव उल्टा है, तो उस तरह वो समझना मतलब वो आसान नहीं है उसको। वो इसलिए मैंने बोला कि मैं उसे खुद तो थोड़ा बहुत समझ पाया, ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह समझ पाया, पूरी तरह समझ पाता तो आपको समझाता भी, इसीलिए मैं उसे समझाने से बच भी रहा हूँ। बट वो एक एंटी मैटर नाम की चीज होती है, उसको बस इतना याद कर लेते हैं अभी के लिए। अगर मुझे फिर टाइम दोगे तो मैं पढ़कर आपको फिर समझा दूंगा किसी दिन। तो एंटी मैटर को हम पढ़ सकते हैं इस ग्रेविटेशनल लेंसेज के द्वारा, ये जो लेंसिंग सिस्टम जो बनेगा, ठीक है। स्टार किस तरीके से, तारे हमारे कैसे बनते हैं उनको जान सकते हैं। हमारा जो पास्ट है, जिस यूनिवर्स की हम बात करते हैं कि ये यूनिवर्स कैसे बना, कहाँ से आया, किसने बनाया, ये सब सवालों के जवाब इसके द्वारा दिए जा सकते हैं। तो ये एक कैपेबिलिटी है ग्रेविटेशनल लेंसिंग की, जिसको इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ये उम्मीद रखते हैं कि वो यूनिवर्स के बारे में और जो इनविजिबल चीज़ें हैं उनके बारे में और पढ़ाई कर सकते हैं। ये कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जैसे भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, ठीक है, इसको बढ़ाया जा रहा है। गुजरात का ये इंस्टीट्यूट है, इसका लेवल बढ़ाया जा रहा है, उसको एक स्टेट एजेंसी के तहत बनाया जाएगा, तो ये याद कर लेते हैं। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट, लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय वेमेन, ठीक है, क्रिस्टीना कॉक, इन्होंने स्पेस में सबसे ज़्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, महिला जो थी, इन्होंने 328 दिन स्पेस में रहने का, वही जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहीं पर ये लोग रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो महिला एस्ट्रोनॉट स्पेस में रहेंगे वो 328 दिन रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड है वैलेरे पॉलीकॉव का, जो रशियन मैन है, जो है 438 दिन तक स्पेस में रहे हैं। 30 मीटर टेलीस्कोप, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जिसका जो लेंस है वो उसका साइज 30 मीटर का होगा, जो प्राइम मिरर होगा वो 30 मीटर का होता है। जो टेलीस्कोप होता है उसका आगे वाला लेंस जितना बड़ा होगा उतना जो है वो अच्छा उसको वो दे पाता है, रिजल्ट दे पाता है। परंतु इतने बड़े लेंस को बनाना, इतने बड़े कांच के टुकड़े, 30 मीटर का कांच का टुकड़ा सोचिए, नॉर्मली जो हमने सुने हुए हैं वो 1.5-2 मीटर के लेंस होते हैं, पर यहाँ पर 30 मीटर का प्राइम लेंस बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये हवाई में यूएसए का 30 मीटर टेलीस्कोप, जो अपने आप में सबसे बड़ा इस तरीके का वो टेलीस्कोप बन जाएगा। ई स्टेशन का ऑब्जर्वेटरी कंसोर्टियम है, जिसमें चाइना, जापान, ताइवान और साउथ कोरिया मिलकर, और इसके अलावा थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, ये एक ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरीज ऐसे देशों का समूह बना रहे हैं जो अपनी टेलीस्कोप या ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी उस स्थान को बोलते हैं जहां से टेलीस्कोप के द्वारा चीज़ों को देखा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों को। प्लूनेट्स, ठीक है, ये एक और नई तरीके की बॉडी का इंट्रोड्यूस हुआ किया है, एक शब्द इस्तेमाल किया गया है प्लूनेट्स, जो कि ऑर्फंड मून्स हैं। ऑर्फंड मून मतलब इस, ये तो हम मतलब समझ ही सकते हैं, ऑर्फंड मून, अनाथ मून, अनाथ मून क्या हुए,
हाँ मतलब जो अपने ग्रह से, ऐसे ग्रह जो अपने ग्रह से बाहर निकल चुके हैं वो कहला रहे हैं प्लूनेट्स। दे आर नॉट प्लैनेट्स, दे आर बेसिकली प्लूनेट्स। जो अपने ग्रह से किसी कारण, जैसे आज चंद्रमा हमारे धरती के चक्कर काट रहा है, तो वो हमारा उपग्रह है, चंद्रमा हमारा उपग्रह है, और किसी कारण से कल चंद्रमा उससे बाहर निकल गया अर्थ के प्रभाव से और बाहर ऐसे घूमने लग गया, तब वो बन जाएगा प्लूनेट। फिर ये है आरोक्त, आरोक्त, ठीक है। अल्टीमा थूले वॉज नीम नेम्ड आफ्टर आरोक्त, कहती अल्टीमेट क्या है ये मेरी नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो इसको। सर जुपिटर का मून है ना अल्टीमा थुले, ओके शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है मैं नहीं जानता हूँ। ये कूपियर बेल्ट में लोकेटेड है ऐसा लिखा हुआ है, कूपियर बेल्ट में कोई पार्ट है जिसका नाम है अल्टीमा थुले, उस के द्वारा जो न्यू होराइजन मिशन जो कि जुपिटर से प्लूटो को देखने के लिए गया, उसके द्वारा इसमें कुछ रिसर्च है। एक बार ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो, मतलब बाइंड अप करना चाह रहा हूँ, ये टॉपिक हो जाए खत्म तो। इसको पढ़ लोगे आप लोग, बेसिक इंफॉर्मेशन है yes, ताकि yes, फिर यहाँ से yes, अगले चैप्टर से अगली क्लास में यहाँ से शुरू कर सके, ठीक है। इसमें कुछ बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मेरी समझ से उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु फिर भी एज एन स्टूडेंट हमें पता होनी चाहिए। इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, नोट्स में ये दी गई होगी। ये नोट्स कहाँ पर हैं एक बार लिंक ग्रुप में डाल दीजिएगा आप में से कोई, ताकि अगर किसी के एक्सेस में ना हो। सर इसमें सर बहुत कुछ नया भी एडेड है क्या, हो सकता है मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि वो मैंने कब अपलोड किए थे, क्योंकि मैं कभी किसी क्लास में अपलोड किया होगा तो मुझे श्योर नहीं है कि पूरा है या नहीं है। आप मुझे लिंक शेयर कीजिएगा, मैं फुर्सत मिलेगी तो आराम से अपने आप देख लूं। सर इसमें नया तो ऐड नहीं है, नया ऐड नहीं है तो लिंक डाल देना व्हाट्सएप में, मैं चेक कर लूंगा कि अगर कुछ नया एडिड नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर तो ठीक है, फिर जैसा चल रहा है चलने देते हैं, ठीक है। चलो तो आज रोकते हैं और थैंक यू सो मच, पढ़ाई करिए, हार्ड वर्क करिए, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर।